अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 की पहली एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों के पास अलजेब्रिक मैनिपुलेशन चैप्टर का नाम है, और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ये दो चैप्टर फैक्टराइजेशन से रिलेटेड पढ़े हैं। अब उन दोनों चैप्टर्स में जितनी भी आपने फैक्टराइजेशन की टाइप सीखी हैं, उसके आगे से यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है। इस चैप्टर के अंदर आपने दो चीजें, एक HCF और दूसरा LCM, ये दो चीजें सीखनी है। HCF और LCM क्या होता है, अब इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब HCF में आप डिस्कस करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। HCF का मतलब ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका दूसरा नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एग्जाम में बोला जाए या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाए, तो दोनों एक ही है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या, नाम से वाजे है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर है 12, और इसी का अगर मैं मल्टीपल ले लूं तो लेट सपोज 24, इसके कितने ऐसे नंबर्स आ सकते हैं, कितने ऐसे कॉमन आपकी वैल्यू आ सकती है जो इस 12 को और 24 को डिवाइड कर दे। 12 के फैक्टर 2 होगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, इसके अलावा 6 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा, और 1 तो सबके साथ आता ही है। 24 सिमिलरली 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 12 से भी होगा, और इटसेल्फ 24 से भी होगा, और 1 से ये भी होगा। तो हाईएस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है इधर, दोनों में 12 आ रही है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि इन दोनों वैल्यूज में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, दैट इज 12। ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है HCF का। इसी तरीके से अब आपको बाकी सवाल जो नीचे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वहां पर यही चीज सिखाई गई है। तो पहला सवाल आपका है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब दो मेथड यहाँ पर आपने सीखने, एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड पे पहले हम बात कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड आपके पास अगर कभी भी इस तरह से सवाल गिवन हो, तो यहाँ पर मजीद दो कंडीशन आती है फैक्टराइजेशन मेथड में, और उसके अंदर सब कैटेगरीज में जाते हैं तो दो और कंडीशन आती हैं। तो पहली कंडीशन के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, वो फर्स्ट टाइप से होगा। यहाँ पर आपको ये दो एक्सप्रेशन गिवन है सवाल के अंदर, 72x^4 y^5 z^2 और दूसरी 120x³ y^6 और z^8। अब यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग डाली है, यहाँ पर सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से आपने प्रॉपर हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है। वो सारी लवाजमात जो क्लास के अंदर भी मैं आपको बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ, उसी तरीके से आपने अपने स्टेप्स को प्रॉपर करना है। तो फिर आप सोल्यूशन के बाद लेट करेंगे, ए आपकी ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और बी आपकी सेकंड एक्सप्रेशन है। अब ए को आपने कहा 72x^4 y^5 z^2, ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई। इसमें 72 के फैक्टर्स अगर बनाऊं तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72। सिमिलरली इसको मैंने x^4 को x³ और x अलग किया, y^5 अपनी जगह और z²। क्यों मैंने इस तरीके से यहाँ पर किया, क्योंकि जो आपने दूसरा एंड बी लेट किया था 120x³ y^6 z^8, उसमें आपके पास 120 के फैक्टर्स बनाए, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये आपके पास टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 120 आंसर देगा। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम x³ है, इस वजह से ऊपर आपने x³ को अलग से ब्रेक किया और जो इजाफी x था उसको अलग से लिखा। सिमिलरली यहाँ पर y^6 है तो y^5, क्योंकि ऊपर भी y^5 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई वाई अलग किया। z^8 को z², क्योंकि ऊपर z² था, और आपने नीचे z^6 अलग से सेपरेट कर दिया। अब ये सेपरेट करने से क्या फायदा हुआ, यहाँ पर आपके पास जो 2 है, यहाँ पर 1, 2, 3, ये 3 2 आपके हैं, और यहाँ पर भी 1, 2 और 3, ये 3 2 आपके गिवन है, ये कॉमन है। सिमिलरली 3 दोनों में एक दफा कॉमन है, इधर ये 3 इजाफी है और यहाँ पर ये 5 इजाफी है, यहाँ पर ये x³ और ये वाला x³, और सिमिलरली यहाँ पर y^5, इधर y^5 और z²। आपने अपनी एक्सप्रेशन को इस तरीके से अलग करना है कि जितने भी आपको अभी मैंने इस तरीके से अंडरलाइन करके दिखाए, ये सारी वैल्यूज जो कॉमन है उसको आपने अलग कर दिया, और जो कॉमन नहीं आ रहे उसको आपने अलग से लिख दिया। जैसे कि z² और z^6, इसमें z² दोनों जगह कॉमन है लेकिन z^6 कॉमन नहीं है, तो वो आपने अलग से ही लिखे रहने दिया। अब जब आपने इस तरीके सारी वैल्यूज को सेपरेट कर लिया, आपके पास यहाँ पर दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। यहाँ पर जब कंपेयर करवाएंगे दोनों इक्वेशंस को, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या होगा,
यहाँ दोनों के पास तीन टू कॉमन थे, एक थ्री कॉमन था, तो आपके पास तीन टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक थ्री, एक्स क्यूब वाई की पावर फाइव जेड स्क्वायर यहाँ पर दोनों तरफ कॉमन था। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने कहा कि ये जब कंपेयर करवाएंगे तो दोनों इक्वेशन में जो कॉमन वैल्यू आ रही है, जाहिर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो यहाँ पर ये सारे आ रहे हैं, इन सबको एंड में आप सिंप्लीफाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास एंड में एच सी एफ आ जाएगा 24x³y⁵ z² और इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा एच सी एफ निकालने का जो सवाल में कहा था। यहाँ पर मैंने एल सी एम भी आपको सॉल्व करवाया है क्योंकि आगे क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड हम एल सी एम भी डिस्कस करेंगे, तो एल सी एम किस तरह से आएगा वो यहाँ पर आप देख लें, इसको जब आपको मैं एल सी एम डिटेल में सिखाऊंगा तो पीछे आके दोबारा आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे सॉल्व हुआ। तो अभी मैं एच सी एफ के ऊपर फोकस करूँ, ना ही आपको एग्जाम में एल सी एम निकालना है अगर एच सी एफ बोला जा रहा है, अगर सिंपली एच सी एफ निकालना है तो सिर्फ एच सी एफ जो ऊपर हमने आंसर को हाईलाइट कर दिया था बस वहीं तक आंसर रखेंगे, एल सी एम नहीं निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर अब तीन एक्सप्रेशंस गिवन है, तीन वैल्यूज गिवन है, यहाँ पर इन तीनों को आप उसी तरीके से ए बी और सी लेट करेंगे। अब ए आपके पास यहाँ पर 18r³ एस की पावर 4 और टी की पावर 5 ये वैल्यू है, इसके फैक्टर्स बना लें मैक्सिमम पॉसिबल, कितने फैक्टर्स बन सकते हैं, तो 18 आपका 3 × 3 × 2 है यानी 9 × 2 = 18। आर क्यूब, अब यहाँ पर आर क्यूब है, एस की पावर 4 को s³ × s लिख दिया, टी की पावर 5 को t³ × t² लिख दिया, वजह उसकी क्या है आपने देखना है आर की सबसे छोटी वैल्यू तीनों में से क्या है, तो आर क्यूब सबसे छोटा है, तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू एस की क्या है तो एस क्यूब सबसे छोटा, उसको अलग कर दिया, टी आपके पास यहाँ पर जितने भी हैं उन सब में कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है तो टी क्यूब सबसे छोटी है तो t² इस तरह से अलग कर दिया। इन तीनों में आपके पास जो ये तीनों वेरिएबल्स हैं इन तीनों के अंदर आपने देखना है कि कौन सी सबसे छोटी वैल्यू है, उस लिहाज से एक वैल्यू अलग और बाकी सारी जो इजाफी है उनको अलग करके लिख दिया। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर सिमिलरली आप कहेंगे बी आपका 120r³ s³ t8 है, इसको भी सेपरेट कर लें, 120 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 5, यहाँ पर इसी तरीके से आपके पास आर क्यूब और आर अलग हो जाएगा क्योंकि आर की पावर यहाँ 4 है, और फिर उसके बाद एस क्यूब और आपका टी की पावर 3 × t⁵ ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर ए और बी को आपने फैक्टर्स बना लिए, इसी तरीके सी के फैक्टर्स बनाएंगे, सी आपके पास 120r⁻⁷ s⁻⁷ t⁻³ ये है, इसको भी सिमिलरली आप ब्रेक कर लें 2 × 3 × 5 × 7, और आपके पास इसी तरीके से आर क्यूब r⁻⁴ और s³ × s⁴ और फिर एंड में आपके पास टी क्यूब है तो टी क्यूब आपका सबसे छोटा ही है। अब यहाँ पर जब आपने सारी वैल्यूज को फैक्टराइज कर लिया यानी उसके फैक्टर्स बना दिए, तो अब फैक्टर बनाने के बाद आप देखेंगे इन तीनों में इक्वेशन में कॉमन क्या आ रहा है, तो आपने इन तीनों को इक्वेशन 1, 2 और 3 का नाम दे दिया, और उसके बाद आप कहेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो अब तीनों के अंदर, पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर 1, 2 तो इधर भी 1, 2 कॉमन आएगा, तीनों में 1, 1, 2 कॉमन है, यहाँ पर 1, 3 इधर भी 1, 3 और इधर 2 है तो 1, 3 कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और कोई नंबर एज सच कॉमन नहीं है, बेशक यहाँ पर 2, 2 इजाफी हैं बी के पास और सी के पास 5 और 7 भी है, लेकिन आपके ए बी और सी में ये दोनों वैल्यूज 2 और 3 ये तीनों में कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर आर क्यूब इन तीनों के पास कॉमन है, एस क्यूब ये भी इन तीनों के पास कॉमन है, टी क्यूब ये भी इन तीनों के पास कॉमन है, तो जब आप इक्वेशन 1, 2 और 3 को कंपेयर करवाएंगे तो आपके पास सिमिलरली जिस तरह पीछे वाले सवाल में किया था उसी तरीके से आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 × 3, क्योंकि आपके पास ए बी और सी में 2 और 3 कॉमन है, आर क्यूब एस क्यूब टी क्यूब, तो एंड में आपके पास आंसर ये आ जाएगा 6r³s³t³, और यही आपके सवाल में निकालने को कहा था। ये तो भी मैंने एलसीएम निकाल लिया है, एलसीएम निकालना आपको इस सवाल में नहीं कहा, तो अगर आपका दिल चाहता है तो इसको आप पीछे आके दोबारा देख लेंगे, लेकिन इस सवाल में रिक्वायरमेंट नहीं है। एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो आपको आगे जब सिखाऊंगा, तो ये इन सवालात का भी आप एलसीएम निकालेंगे। अब ये तो फैक्टराइजेशन मेथड के जो दो सवाल अभी हमने डिस्कस किए ये फर्स्ट टाइप से हो रहे थे, अब एक और कैटेगरी आती है, एक और टाइप आती है कि अगर मेरे पास इस तरह से एक्सप्रेशन हो, ऊपर वाले सवालात में कहीं प्लस माइनस नहीं था, पूरी एक्सप्रेशन जो आपको गिवन थी उसके अंदर सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस आ रहा है, तो आपके फैक्टर का मतलब ही होता है कि जो वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो उसको फैक्टराइज नहीं कहते, ना ही वो फैक्टर्स कहलाते हैं, वो एक्सप्रेशन कहलाती है। तो यहाँ पर भी आपको एक्सप्रेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पर आपने सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करना है, और उसके बाद फिर यहाँ से काम स्टार्ट होगा कि लेट करेंगे
ए आपके पास ये वाली वैल्यू है, बी आपके पास ये दूसरी वैल्यू है। अब ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस 18, ये आपकी एक्सप्रेशन है, मिडल टर्म ब्रेक करें, 18 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर उसके बाद आपके पास बीस में जो साइन है वो ब्रैकेट के बीच में लिखा जाएगा, 18 के वो फैक्टर्स जो सब्ट्रैक्ट होने पर 3 दे दें तो 6 × 3 = 18 होता है, सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास 3 आंसर आएगा, जो आपकी मिडल टर्म ब्रेक करने का मेथड है। अब आपकी मिडल टर्म जब ब्रेक हो गई तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू, ये आपका a है। अब इन दोनों में x कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो आपने यहाँ से x कॉमन लिया, उधर से 3, तो आपके पास फैक्टराइज करने पर, मिडल टर्म ब्रेक करने पर a की वैल्यू आ गई, दैट इज x माइनस 6 × x + 3, इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। सिमिलरली b आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से आप मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, आपके मिडल टर्म ब्रेक होगी 3 + 2 में। अब ये मिडल टर्म कैसे ब्रेक करते हैं ये आपको मैंने डिटेल में सिखाया हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर इतनी डिटेल में नहीं सिखा सकते और ना ही यहाँ पर आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत है, ये आपको आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x माइनस 6, ये आपकी वैल्यू है b की, इधर से आप कॉमन लें x, इधर से 2 कॉमन लें, एंड में कॉमन लेने पर आपके पास x प्लस 3 इंटू x प्लस 2, ये वैल्यू b की आ गई, इसको आपने इक्वेशन 2 कह दिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर कंपेयर करवाएं तो दोनों के अंदर आपके पास जो वैल्यूज हैं कॉमन, उसमें से अगर यहाँ पर मैं मार्क कर दूं तो x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ पर उसी तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है द HCF इज x प्लस 3। तो x प्लस 3 क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहे हैं a और b के अंदर, तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा, और सवाल में आपसे यही कहा है कि आपको यही निकालना है। एलसीएम भी मैंने इसका निकाल के रखा हुआ है अलग से, तो एलसीएम किस तरह से आया वो हम अगले क्वेश्चंस में जब पढ़ेंगे तो आप पीछे आके इन सवालों का एलसीएम आंसर देख लेंगे कैसे आ रहा है, या वेरीफाई कर लेंगे कि जो आपको सिखाया वो यहाँ पर आंसर उसी तरीके से आ रहा है या नहीं। अब चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में आपके पास ये दो एक्सप्रेशन गिवन है। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे उसके अंदर वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही थी, तो उसको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आपकी वैल्यूज जो हैं इसके अंदर आप या तो फैक्टराइजेशन जो भी आपने पीछे सीखे जितने भी टाइप्स वो अप्लाई करेंगे तो फिर जाके आपके फैक्टर्स आएंगे, वो फैक्टर्स बनाने के बाद फिर आप कहेंगे कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है। तो इन किस्म के क्वेश्चन को, इस तरह के जितने भी आपके एक्सप्रेशन हैं इनको सॉल्व करने की टेक्निक डिफरेंट है, कैटेगरी डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपके पास पार्ट 4 है, इसमें ए और बी आप लेट करेंगे। ए आपके पास है 4x² - 9 यानी कि 2x² और 3 का स्क्वायर यानी a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपके पास a - b × a + b, तो 2x - 3 × 2x + 3, ये दो आपके पास आंसर फैक्टर्स आ गए a के, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। सिमिलरली आपके पास b है, b आपके पास 2x² - 5x + 3, ये b की वैल्यू है, इसमें आपके पास उसी तरीके से मिडल टर्म ब्रेक होगी जिस तरह पीछे करते आए हैं। यहाँ पर आपके पास 2x² - 3 + 2 × x + 3, तो 2x² - 3x - 2x + 3 आप इसमें कॉमन ले लें, यहाँ पर x है, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, तो आपके पास b आ जाएगा 2x - 3 × x - 1, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाएंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो जो HCF है दैट विल बी 2x - 3, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में आपके पास 2x - 3 कॉमन आ रहा था, तो ये आपके पास 2x - 3 इधर ये वाला, और नीचे भी आपके पास 2x - 3 ये कॉमन आ रहा था, तो इस तरीके से आपके पास HCF ये फाइनल आंसर आ गया। LCM भी निकाला हुआ है, तो LCM भी आप देख सकते हैं कि इसका LCM क्या आएगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब फिफ्थ पार्ट में आपके पास ये 3 एक्सप्रेशंस गिवन है, यहाँ पर आप उसी तरीके से लेट कर लेंगे ए बी और सी तीनों को। तो ए आपके पास है 2a² - 8b², यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे, आपके पास a² - 4b², दैट इज a² - 2b², यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें बाई यूजिंग फॉर्मूला a² - b², दैट इज a - b × a + b। आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 2 × a - 2b और a + 2b, ये आपकी a की वैल्यू आ गई, यानी इसको आप इक्वेशन 1 कह देंगे। आपके पास b 4a² + 4ab - 24b², यहाँ से 4 कॉमन लें, तो आपके पास a² - ab और फिर उसके बाद -6b², तो a² + ab - 6b² में आपकी मिडल टर्म ब्रेक हो रही है बाय 3 - 2, यानी 3 × 2 = 6 होगा। मिडल टर्म ब्रेक करेंगे a² + 3ab - 2ab - 6b², इन दो के पास a कॉमन है और इन दो के पास -2b कॉमन है, तो
तो पीछे आपके पास a प्लस थ्री बी दोनों तरफ कॉमन आ गया, इधर से आप a प्लस थ्री बी कॉमन लेंगे तो पीछे आपका a माइनस टू बी। तो इस तरीके से आपके पास बाहर 4 अपनी जगह था, इसके फैक्टर आपने बनाए 2 इंटू टू और आपके पास b की वैल्यू आ गई 2 इंटू टू इंटू ए माइनस टू बी इंटू ए प्लस थ्री बी, ये आपके फैक्टर्स आ गए। सिमिलरली आप अपने इसको भी इक्वेशन 2 कहने के बाद c पर आएंगे एंड c आपको गिवन है 2a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 16b स्क्वायर, इन तीनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेने पर आपके पास a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 8b स्क्वायर आ गया। अब आपके पास यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक होगी, आपका 8 इंटू 1 और 6 लेके आना है प्लस करने पर, तो 4 प्लस 2 6 होगा। जब आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो c आपके पास 2 तो बाहर आपने कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 8 बी स्क्वायर, और फिर आप इसको सॉल्व करने के बाद जब कॉमन लेंगे आपकी एक्सप्रेशन a कॉमन लेने पर a माइनस 4 बी और माइनस 2 बी कॉमन लेने पर a माइनस 4 बी, यानी a माइनस 4 बी इंटू a माइनस 2 बी, आपके पास c आ जाएगी यानी इक्वेशन 3 आएगी ट्वाइस ऑफ a माइनस 2 बी और इंटू a माइनस 4 बी। अब तीनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करवाएंगे तो तीनों इक्वेशंस में आपके पास a माइनस 2 बी ये कॉमन आ रहा है, तो आप कहेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 द HCF इज ये आपका 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 2 बी, क्योंकि तीनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा था। अब यहां पर मैं ऊपर अगर लेके जाऊं तो आपके पास a माइनस 2 बी और इंटू 2, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, इधर भी c में 2 कॉमन आ रहा था, इधर भी a माइनस 2 बी कॉमन है, और सिमिलरली आपके पास यहाँ पर a के पास भी 2 कॉमन है और a माइनस 2 बी, तो तीनों में आपके पास ये चीजें कॉमन आ रही हैं, इस वजह से आप यहाँ पर तीनों को कंपेयर करवा के कहेंगे HCF इसका ट्वाइस ऑफ a माइनस 2 बी है। अब इन सवालात के अंदर सिर्फ HCF निकालने को कहा है, LCM यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है तो LCM भी आप देख सकते हैं। अब लास्ट इस सवाल के पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 6। यहाँ पर आपको ये दो एक्सप्रेशंस गिवन है, लेकिन अब यहाँ पर इसको सॉल्व आपको करना है, और ये सॉल्व करने का तरीका आपके पास जो पीछे फैक्टराइजेशन आपने सीखी उसी तरीके से होगा। तो यहाँ पर भी आप लेट करेंगे, ए आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, और इसको बी लेट कर लें। यहाँ इन दोनों के पास एक्स स्क्वायर कॉमन है तो पीछे एक्स प्लस 1 रह गया, इधर कुछ कॉमन नहीं है तो जबरदस्ती 1 कॉमन लेंगे तो पीछे एक्स प्लस 1 आ जाएगा, तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, इसको आप इक्वेशन 1 कह देंगे। सिमिलरली b पे आएंगे, b आपके पास जो गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1, इधर आप इसको एक्स क्यूब और 1 अलग कर लेंगे, 3 एक्स स्क्वायर और 3 एक्स को अलग करेंगे, यहाँ पर आप इस तरीके के अरेंजमेंट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका एक्स क्यूब और 1 का क्यूब 1 ही होगा। इन दोनों में आपके पास 3 को x कॉमन है तो 3x कॉमन ले लें, पीछे x प्लस 1 आ गया, तो यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b की फॉर्म आ गई, दैट इज a प्लस b का होल क्यूब। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर आपके पास a प्लस b होल क्यूब अप्लाई होगा, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यह आपने फॉर्म इस तरीके से बना ली, तो b आपके पास x प्लस 1 क्योंकि a आपका x और b 1 था, तो x प्लस 1 का होल क्यूब। आप इस क्यूब को अलग अलग करके लिख दें, आपको एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, वजह उसकी ये है कि जब आप फैक्टर बताते हैं, फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए 2 का क्यूब है यानी कि 8 है, तो आप इसको फैक्टर्स जब बनाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, तो इस तरीके से आप सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पर भी आपको जो भी पावर होगी, अगर 2 है यानी स्क्वायर है, 3 है, 4 है, जो भी, उसको आप अलग करेंगे। अब दोनों में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करवाएंगे, आपके पास एक्स प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि देयरफोर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 HCF आपके पास ये x प्लस 1 आ रहा है, और यही आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद आपने LCM अगर निकालना है तो पीछे आप आके वापस इसको देख सकते हैं, अभी हम LCM नहीं डिस्कस कर रहे, अभी हम HCF डिस्कस कर रहे हैं। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको HCF निकालना है बाय डिवीजन मेथड। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट गिवन है, डिवीजन मेथड क्या है। डिवीजन मेथड आपने जिस तरह बचपन में वैल्यूज डिवाइड किया करते थे, फॉर एग्जाम्पल 15 को डिवाइड करना है 3 से, तो यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई करते थे 3 को, तो 5 इंटू 3 15 होता था। यहाँ पर जो भी वैल्यू आई इसको आप यहाँ पर प्लस साइन की जगह माइनस में कन्वर्ट करते थे, यानी ये वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट होती थी, एंड में रिमाइंडर आता था। अब अगर आपके पास इसी तरीके से लेट सपोज 16 या 17 जो भी नंबर है उसको 3 से डिवाइड किया जाए, तो आप इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 15 यहाँ पर आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपका रिमाइंडर 1 रह जाएगा, तो रिमाइंडर आपके पास यहाँ पर 0 आना चाहिए। अगर तो आप कहेंगे कि जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है, और अगर यहाँ 0 नहीं आता तो उसका मतलब आपके पास ये वैल्यू उस नंबर से डिवाइड नहीं हो सकती।
तो सिमिलरली आपके पास यहाँ पे भी इसी तरीके से ये सारे सोल्यूशन होंगे। ये आपका कहलाता है डिविडेंड, और ये आपके बाहर जो वैल्यू है इसको कहते हैं डिवाइजर, डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा हो, डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा हो। तो आपके पास इसी तरीके से डिविजन मेथड भी है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर टू का, यहाँ पर आपसे कहा है कि दो वैल्यूज, दो एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और दूसरी 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। तो डिवीजन मेथड के मुताबिक यहाँ पर आपके पास सवाल आ गया, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और ये जो आपके पास सवाल इटसेल्फ है ये दोबारा उतारेंगे। जाहिर है मैंने यहाँ पर अपने लिहाज से इसको बनाए हुए हैं सोल्यूशन, लेकिन आपका सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आपको ये दो इक्वेशन गिवन है, इसको आप अकॉर्डिंग टू डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड क्या कहता है कि आपने एक वैल्यू को अंदर रखना है, दूसरी वैल्यू को बाहर डिवाइड करना है। तो आपसे कहा है कि ये दो एक्सप्रेशन है इसका HCF निकालें बाय डिवीजन मेथड। तो आप कोशिश करते हैं कि आप बड़ी वैल्यू को अंदर और छोटी वैल्यू को बाहर रखें, अदरवाइज लाजमी नहीं है, सोल्यूशन आप फिर भी कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पर मैंने 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 अंदर रखा है और बाहर आपके पास इस साइन के, इस सिंबल के दूसरी एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 रखा है। अब तरीकेकार वही है, जिस तरीके से आप अपने 15 को या 16 को डिवाइड कर रहे थे 3 से, तो यहाँ पर आप जो नंबर लिखते थे बेसिकली वो नंबर आपके बाहर डिवाइजर से मल्टीप्लाई होता था और जो भी वैल्यू आती थी वो आप इधर नीचे लिखा करते थे। तो यहाँ पर अगर मुझे 3x स्क्वायर को हटाना है, कट करना है, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो 3x स्क्वायर बन जाए। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये 3 आपके पास सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये आपके 3x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो आपका एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3x स्क्वायर, 3x मल्टीप्लाई होगा 3 से तो आपके पास 9x, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो आपके पास 6। अब यहाँ पर क्योंकि साइन चेंज होंगे तो जहां पर आपके पास प्लस साइन है वहां पर माइनस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होंगे, यहाँ प्लस था तो इधर आपका माइनस हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पर आपका प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस 3x माइनस 9 आपका माइनस 12, और आपके पास माइनस 6 और प्लस यहाँ पर माइनस 6 हो गया, तो माइनस माइनस एडिशन होता है माइनस 12। अब इन दोनों में आपके पास माइनस 12 कॉमन है, तो आप माइनस 12 जब कॉमन लेंगे तो आपका बीच में ब्रैकेट x प्लस 1 आ जाएगी। अब जब भी आपके पास डिवीजन मेथड की बात की जाएगी, जो कॉमन आप लेंगे उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, अक्सर और बेशतर जगहों पर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी उसे आप कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जो अब आपके पास ब्रैकेट में वैल्यू आई है दैट इज x प्लस 1, इसमें से आप निगलेक्ट कर देंगे माइनस 12 को, ओमिट कर देंगे, निकाल देंगे फ्रॉम आपका माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 1, पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, सिर्फ x प्लस 1। ये x प्लस 1 अब आपके जो एक्चुअल डिवाइजर था उससे डिवाइड होगा, यानी अब आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये वैल्यू डिविडेंड बन जाएगी, ये आपके इस डिवीजन साइन के अंदर आ जाएगी, और जो आपके पास ये x प्लस 1 था ये बाहर आ जाएगा, ये डिवाइजर बन जाएगा, ये अब आपके इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगा। ये एक्चुअल डिवीजन मेथड है। तो पहला आपने सबसे पहला स्टेप ये किया कि आपके पास एक वैल्यू डिविडेंड बन गई, दूसरी वैल्यू आपकी डिवाइजर बन गई, जो आपके पास वैल्यू यहाँ पर जनरेट हुई, जो भी आपके पास ब्रैकेट कॉमन आई उसको आपने अब डिवाइजर बनाया, और जो वैल्यू आपकी पहले डिवाइजर थी अब इस वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे इस अपनी वैल्यू से जो आपके रिमाइंडर में आया। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये एक्सप्रेशन आपके गिवन थी, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 से क्योंकि ये वैल्यू रिमाइंडर में आई थी। अब x प्लस 1 में आपको यहाँ पर x स्क्वायर कैंसिल करना है, तो x मल्टीप्लाई अगर x से होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, सिमिलरली 1 भी x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 1 इंटू एक्स एक्स आ गया। तो आपके अब डिवीजन में साइन चेंज होते हैं, साइन जब आप चेंज करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ प्लस साइन है तो माइनस साइन हो जाएगा माइनस एक्स, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3x और प्लस यहाँ पर माइनस एक्स है तो 3x माइनस एक्स 2x, और ये 2 अपनी जगह नीचे वापस आ गया। अब दोबारा आपने इसको जाहिर है कैंसिल करना है, तो x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 2x आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास यहाँ पर ये 2x से ही मल्टीप्लाई होगा, ये 2 प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 2x और प्लस 2 ये अपनी जगह आ गई वैल्यू, साइन चेंज होंगे, 2x माइनस 2x कैंसिल, प्लस 2 और माइनस 2 ये आपस में कैंसिल, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। एक्चुअल वैल्यू 0 आनी चाहिए, जो भी रिमाइंडर है अगर 0 आ रहा है तो डिवीजन मेथड के मुताबिक जिस वैल्यू ने डिवाइड किया है इसका मतलब ये आपका कॉमन फैक्टर आएगा दोनों में। तो आप कहेंगे हैंस जो रिक्वायर्ड HCF है वो आपका x प्लस 1 है, क्योंकि x प्लस 1 से डिवाइड करने पर आपकी वैल्यू रिमाइंडर 0 आ गया।
तो इस वजह से आप कहेंगे कि ये आपके पास एच सी एफ इसका एक्स प्लस वन आ रहा है, और ये जो अभी हमने डिटेल में सीखा ये मेथड कहलाता है डिवीजन मेथड एच सी एफ निकालने के लिए। अब इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट पे आते हैं, क्योंकि ये पहली दफा आपने सीखा है और थोड़ा सा आपका ट्रिकी है, टेक्निकल है, थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें आपको चीजें याद करनी है। तो अब सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपकी एक तरह से प्रैक्टिस भी हो जाए, अदरवाइज पिछले सवाल को रिवाइंड करके देख लें, आप लोगों को वो सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, और आपको इस काबिल अपने आप को बनाने के बगैर देखे आप उसे सॉल्व कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, सोल्यूशन की हेडिंग ला लें, उसके बाद से यहाँ पर काम स्टार्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है, अब यहाँ पर आपको दो एक्सप्रेशन, बड़ी एक्सप्रेशन गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू मैं डिविडेंड बना रहा हूँ और इस वैल्यू को डिवाइजर बना रहा हूँ। जब भी आपके पास नजर आ रहा है कि कोफिशियंट्स डिफरेंट है, वहां तो पिछले सवाल में एक एक्स था और दूसरा 3x की पावर जो भी थी वो था, तो आप सिंपली एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपके पास कोफिशियंट बराबर हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपके पास दोनों कोफिशियंट्स डिफरेंट हैं, तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह पीछे आप लोग करते आ रहे थे, जिस तरह इक्वेशन सोल्यूशन में आपने सीखा, आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है, जो एक्सप्रेशन है जिसको हमने डिविडेंड बनाया, उसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो आपके पास ये वैल्यू इस तरीके से लिखी जाएगी। आपने ये डिवीजन का साइन सिंबल बनाया, उसके अंदर आपने अपनी ये एक्सप्रेशन लिखी, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 का साइन लगा के यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं बाय 2, तो आपके पास ये पूरी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो आपके पास 3 × 2 6x³, 23 × 2 46, और आपके पास 15 × 2 100, 24 × 2 48। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज आपकी 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दी आपने। अब क्योंकि आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई है, इसको आपने डिवाइड करना है बाय दिस एक्सप्रेशन, तो 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, तो 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा, यानी कि 6x³ मुझे चाहिए। तो सिंपली मैंने अपने इस पूरी एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास 2x³ × 3 6x³ हो जाएगा, 15 × 3 आपके पास 45 हो जाएगा, 31 × 3 93, और 12 × 3 36। तो पूरी एक्सप्रेशन को जब 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अब ये जो साइन है वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस साइन था तो ये माइनस में शिफ्ट हो गया, तो सारे साइन आपके चेंज होंगे, 6x³ आपस में कैंसिल आउट हो गया, 46x² और -45 ये आपका सिंपल x² यानी 1x² होगा वैल्यू, 100x -93 7x होगा, 48 -36 12 होगा। तो आपके पास ये एक नई एक्सप्रेशन आ गई x² प्लस 7x प्लस 12। अब आप अगेन यहाँ पर इस पूरी एक्सप्रेशन को, ये जो आई है, इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ये वाली एक्सप्रेशन आपकी बन जाएगी एज अ डिविडेंड, और ये वाली एक्सप्रेशन आपकी बन जाएगी डिवाइजर के तौर पे। तो अब आपने यहाँ पर इस तरीके से सारी वैल्यूज को अलग से अरेंज करके लिख दिया, आपने कहा अगेन 2x³ प्लस 15x² प्लस 31x प्लस 12, ये जो आपके पास सवाल गिवन था ये अब आपका डिविडेंड है, ये डिवाइड हो रहा है, और इसको डिवाइड कौन कर रहा है, x² प्लस 7x प्लस 12, ये आपके पास डिवाइजर बन गया। तो सिंपली अब आपने उसी तरीके से फॉलो करना है डिविजन मेथड जो अभी हमने डिस्कस किया, कि x² को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x³ मिल जाए, तो मैं 2x से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 2x³ आ जाएगा। लेकिन अब ये 2x आपका सिर्फ x² से तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये प्लस 7x से भी होगा, तो 14x² 2x मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो 24x, ये आपके पास सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब इसके बाद जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट करते हैं, जैसे कि ये 2x³ आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 माइनस 14 x² होगा, 31 माइनस 24 आपके पास 7x आ जाएगा, और प्लस 12 अपनी जगह ये एज इट इज नीचे आ गया। अब ये 1 मल्टीप्लाई करते हैं x² से, क्योंकि यहाँ x² प्लस 7x प्लस 12 चाहिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं x² प्लस 7x प्लस 12 आपको मिल जाएगा। फिर आप अपने जो साइन है उसको चेंज कर लें, जहां पर प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है अगर होता तो वहां प्लस हो जाता, तो ये सारे वैल्यूज आपस में सेम है, आपस में इसको कैंसिल आउट कर दें, एंड में आपके पास जो रिमाइंडर आया वो जीरो आ गया। जब भी रिमाइंडर जीरो आएगा तो जिस एक्सप्रेशन की वजह से जीरो आया, आप कहेंगे कि ये आपके पास कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन वैल्यू आ रही है, तो आप एंड में कहेंगे हेंस द रिक्वायर्ड एचसीएफ इज x² प्लस 7x प्लस 12। लेकिन हम इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप मिडिल टर्म ब्रेक कर दें x² प्लस 7x प्लस 12 में, बेसिकली आपका 4 प्लस 3 मिडिल वैल्यू है, तो मिडिल टर्म ब्रेक अगर करेंगे तो x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 ये वैल्यू आ गई,
इन दोनों में एक्स कॉमन है, इन दोनों में प्लस थ्री कॉमन ले लें, तो आपके पास एक्स प्लस फोर दोनों से कॉमन लेने के बाद एक्स प्लस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री, ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया और यही आपकी वैल्यू है जो कि आपके सवाल में कहा था मालूम करके बताएं। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन नंबर टू के सेकंड पार्ट को डिस्कस मैंने कर दिया, सॉल्व कर लेंगे। तो आपके यहाँ पर जितने भी इस तरह के सवाल आ रहे हैं जिसमें वैल्यू ऐसे गिवन होगी, आपकी कोई ना कोई एक्सप्रेशन है, फैक्टर नहीं है, तो क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, आपको एक्सप्रेशन नहीं बतानी, आपको फैक्टर बताना है, तो आपको मिडिल टर्म ब्रेक करके या जो भी मेथड है उस तरीके से सेपरेट आउट करना पड़ेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, इसकी तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट गिवन है, लेकिन थर्ड पार्ट मैं आपको करवाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि ये सवाल आपका सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा। कुछ कॉमन ना आने की वजह ये जो पूरा अभी हमने मेथड डिस्कस किया वही है कि आपने इसको पूरा वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पिछले सवाल आपने सॉल्व किया, लेकिन एंड में जो आपके पास आंसर आएगा वो जीरो रिमाइंडर नहीं आ रहा। डिवाइड करने के बाद डिवीजन मेथड के मुताबिक आपके पास जब वैल्यू जीरो नहीं आ रही तो उसमें हम कहते हैं कि जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो उन सब में वन कॉमन होगा, तो आपके पास एच सी एफ वन आएगा। पूरा सॉल्व करने के बाद ये आंसर वैसे गलत है, इसमें थोड़ी सी एरर भी है, लेकिन बहरहाल आपके पास एंड में आंसर ये नहीं आ रहा होगा। अब क्योंकि यहाँ पर जीरो आना चाहिए और जीरो आ नहीं रहा, तो आप कहेंगे कि हेंस द रिक्वायर्ड एच सी एफ इज वन। वजह उसकी क्या है, एज नथिंग एल्स इज कॉमन इन बोथ एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन में अगर कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा यानी कि रिमाइंडर जीरो ही नहीं आ रहा आपके पास, तो इसका मतलब वहां पर कुछ कॉमन नहीं है, और जहां पर कुछ कॉमन नहीं होगा तो आपको पता है कि कोई भी वैल्यू वन से मल्टीप्लाई हो तो आपका वो वन सब में कॉमन ही होता है, तो आप सिंपली कहेंगे कि उसका एच सी एफ वन है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री, आपके पास ये सवाल जो गिवन है सवाल गलत नहीं है लेकिन सवाल में कॉमन कुछ नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में आपके पास यहाँ पर सवाल में थोड़ी सी करेक्शन आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर थ्री वाई गिवन है, इसी थ्री एक्स वाई लिखना पड़ेगा। यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वायर वाई इसको टू, और यहाँ पर टू है इसको वन कर लें, क्योंकि इसके अलावा ये तीनों एक्सप्रेशन आपस में डिवाइड नहीं हो रही ना सॉल्व हो रही है, तो इसको सॉल्व अगर करना है तो उसके मुताबिक आपको फिर इन सवालों को चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं करेंगे तो वहां पर भी क्वेश्चन नंबर थ्री की तरह जैसे आपने कहा कि एच सी एफ वन आएगा, यहाँ पर भी आपका एच सी एफ फिर वन आएगा। तो क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको सिखाना है इसलिए मैंने आपके सवाल में ही करेक्शन कर ली, तो यहाँ पर इस तरीके से इस सवाल को करेक्ट करके हम आगे चल रहे हैं। अब आपके पास यहाँ पर तीन एक्सप्रेशन गिवन है, इन तीनों को आपने डिवाइड करना है। तीनों को आप डिवाइड कैसे करेंगे, आप पहले बड़ी वैल्यू या यहाँ पर तो पावर सबकी ऑलमोस्ट सेम है, तो आप पहले इन दो वैल्यूज का सॉल्व कर लें, इन दो वैल्यूज को डिवीजन मेथड के तौर पे आप ले लें, फिर उसके बाद आपकी जो वैल्यू आएगी डिवाइड होने के बाद उसको तीसरी से कर देंगे। तो अब आपके डिवीजन मेथड के मुताबिक आपने इन दो एक्सप्रेशन को पहले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर, ये वाली एक्सप्रेशन आपने डिविडेंड यानी अंदर रखी, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस टू वाई इसको बाहर एज अ डिवाइजर रखा। तो आप सिंपली वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास वन मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर वन मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई से, तो एक्स वाई सिमिलरली माइनस टू वाई स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर साइन जो भी है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हुई, थ्री एक्स वाई और एक्स वाई ये माइनस हो रहा है तो टू एक्स वाई, यहाँ पर आपके पास टू वाई स्क्वायर और प्लस टू वाई स्क्वायर यानी प्लस फोर वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में 2y कॉमन है तो आप 2y कॉमन ले लें, पीछे आपके पास x प्लस 2y बच गया। यहाँ पर आप 2y को निगलेक्ट करेंगे, यहाँ पर से आप 2 और y दोनों को ही हटा दें, तो आपके पास पीछे x प्लस 2y रह गया। जाहिर है आपके पास फैक्टर दो अलग हैं, एक ये और दूसरा ये, 2y को आप निगलेक्ट कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं, तो आप अगेन अब x प्लस 2y को डिवाइड करवाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर, ये वही पैटर्न डिविजन मेथड का कि आपने उससे डिवाइड करवाने, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर को एक्स प्लस टू वाई से डिवाइड करवा दें। आपके पास सिंपली एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, तो ये आपकी वैल्यूज एक्स वाई और माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब पीछे आपके पास माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर अपनी जगह नीचे एज इट इज आ गया। अब माइनस वाई से मल्टीप्लाई करें एक्स को, तो आपके पास माइनस एक्स वाई, और माइनस मल्टीप्लाई करवाएं प्लस टू वाई को, तो माइनस टू वाई स्क्वायर। साइन चेंज करें, आपके पास एक्स वाई और टू वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास पीछे रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो आप कहेंगे देयरफॉर एच सी एफ आपका ये जो शुरू की दो एक्सप्रेशन थी इन दोनों का एक्स प्लस टू वाई आ रहा है, क्योंकि एक्स प्लस टू वाई रखने पर आपके पास रिमाइंडर जीरो आ गया। तो आपने पहले इन दो को सॉल्व करवा लिया, अब क्योंकि एच सी एफ मिल गया तो आप कहेंगे नाउ फाइंड द एच सी एफ ऑफ एक्स प्लस टू वाई एंड द अदर थर्ड एक्सप्रेशन।
हमने क्यों इसको कहा, क्योंकि दो एक्सप्रेशन का कॉमन फैक्टर अगर हमें मिल गया तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या ये वैल्यू इसमें भी कॉमन है या नहीं है। अगर ये वैल्यू इसमें कॉमन है तो इसका मतलब ये आपके पास तीनों का कॉमन फैक्टर आएगा। तो आपने डिवीजन मेथड के मुताबिक x प्लस टू वाई को डिवाइड करवाना है अपनी थर्ड एक्सप्रेशन जो कि एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू वाई क्यूब ये है। अब पहली वैल्यू एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें एक्स से तो एक्स क्यूब आ गया। सिमिलरली एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा टू वाई से तो आपके पास प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई। ये वैल्यू आप जाहिर है सब्ट्रैक्ट हो रही है, दोनों ही यहाँ पर कैंसिल होते हुए नजर आ रही है। पीछे आपके पास एक्स वाई स्क्वायर और टू वाई क्यूब प्लस का ये आपके पास आ गया। अब आपको एक्स वाई स्क्वायर चाहिए तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाएं एक्स से तो आपके पास यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर और प्लस टू वाई क्यूब ये वैल्यू आ गई। सिंपली आपके पास क्योंकि सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये है कि जब रिमाइंडर जीरो आ गया तो आपके पास एक्स प्लस टू वाई इस एक्सप्रेशन का कॉमन फैक्टर है। एंड में आप कहेंगे कि हेंस एचसीएफ ऑफ ऑल थ्री पॉलिनोमियल्स जो गिवन थे उसका एक्स प्लस टू वाई आ रहा है क्योंकि तीनों में आपके पास ये एक्स प्लस टू वाई कॉमन है और इससे डिवाइड करने पर तीनों एक्सप्रेशन में जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाएगा। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया अपने इस पार्ट का। ये आंसर आया है सवाल को करेक्ट करने से, किताब में आपके पास सवाल डिफरेंट है। अब आ जाए अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन आपका एलसीएम से रिलेटेड है, आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने के भी दो मेथड हैं, एक फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन। ज्यादातर एग्जाम में आपके पास फैक्टराइजेशन आएगा क्योंकि फैक्टराइजेशन थोड़ा सा आसान है एज कम्पेयर टू डिवीजन। आसान तो दोनों है लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अब एलसीएम के कॉन्सेप्ट आपने सीखे हुए, एलसीएम आपको शुरू से बचपन से सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से लिया जाता है। अगर एक सिंपल सा मैं आपको एलसीएम लेने को कहूँ 1/2 प्लस 1/4 लेट सपोज, या आप इसका 1/6 ले लें, तो दोनों आपके पास जब एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि आप साइड पे एक काम करते थे 2.6, फिर आप कहते थे 2 के टेबल में दोनों आते हैं, फिर 3 के टेबल में जो 1 आ गया वो तो 1 एज इट इज 3 के टेबल में ये, तो आपके पास 2 × 3 ये फैक्टर आ गए। तो आप कहते थे कि आपके पास यहाँ डिवाइड में 6 लिखा जाएगा, दैट इज बेसिकली 2 × 3। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या है ये तो आपको आता है, इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। ये जो 2 × 3 आया ये कैसे आया, आपके पास यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 × 3 था। आपने क्या किया, जो कॉमन वैल्यू थी दोनों में उसको एक दफा लिखा और जो नॉन कॉमन वैल्यू थी उसको जितनी दफा आया उसको उतनी दफा लिख दिया, लेकिन जो कॉमन है वो सिर्फ एक दफा लिखा जाएगा, दैट इज 2। तो सिमिलरली यही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। आपके पास सोल्यूशन की यहाँ पर हेडिंग डालनी है, फिर उसके बाद आपने सवाल उतारना है और फिर लेट करना है। आप इसके बाद यहाँ से भी सोल्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पर लाजमी ही ऊपर से करें। तो बहरहाल आपने लेट करना है, ये ए है और ये बी है। अब ए आपके पास 27 ए की पावर 4 बी की पावर 5 सी स्क्वायर ये वैल्यू गिवन है। आपने इसके फैक्टर्स बना लिए 3 × 3 × 3 27 ए की पावर 4। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप हाईएस्ट अलग करेंगे और लोएस्ट अलग करेंगे, आपने हाईएस्ट ही अलग करना है। तो जहां पर जितना हाईएस्ट आपको मिल रहा है वहां पर उतनी वैल्यू को आप अलग से लिख लें। तो 3 की पावर 3 ए की पावर 4 बी की पावर 5 सी की पावर 2। इसी तरीके से आपके पास 81 ए बी स्क्वायर सी 8, इसमें भी आपने इसके फैक्टर्स बना लिए 3 की पावर 4 ए बी स्क्वायर सी की पावर 8। यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि आप जो हाईएस्ट पावर है हर कोफिशेंट का, हर आपके वेरिएबल का, जितने भी आपके पास हाईएस्ट पावर है हर पॉलिनोमियल इक्वेशन में, वो आप अलग से लेंगे। तो फॉर एलसीएम टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी कोफिशेंट्स एंड एवरी वेरिएबल, जितने भी नंबर या वेरिएबल है उन सबकी हाईएस्ट पावर ले लें हर पॉलिनोमियल के अंदर इन एवरी पॉलिनोमियल। तो मेरे पास ए और बी में जो 3 है उसकी मैक्सिमम पावर 3 की पावर 4 है, और ए और बी दोनों में ए की पावर 4 बी की पावर 5 और सी की पावर 8 हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट पावर को हमने अलग किया, आपके पास यहाँ पर 3 की पावर 4 और ये सारी वैल्यू सॉल्व करने पर 81 ए की पावर 4 बी की पावर 5 सी की पावर 8 ये फाइनल आंसर आएगा। अब एलसीएम और एचसीएफ में जाहिर फर्क होता है, आपको एलसीएम निकालने के लिए जो हाईएस्ट पावर है उसको रखना है, जिस तरह से ऊपर मैंने डिस्कस किया 1/2 प्लस 1/6 में दोनों आप जब एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम नीचे 6 आएगा। 6 क्यों आएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट वैल्यू 6 है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 1/2 प्लस 1/8 की तो आपका एलसीएम 1/8 आएगा, ये 1/ तो खैर नहीं, 4 + 1/8 आएगा। तो 4 + 1 की हम बात नहीं कर रहे, हम डिनोमिनेटर में ये जो 8 आया बेसिकली ये क्या है, 2 का क्यूब है। तो आपने हाईएस्ट पावर कौन सी ली, 2 के क्यूब वाली।
तो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट जो आप एलसीएम अब तक लेते आ रहे हैं, आपको इतनी डिटेल में नहीं सिखाया एक्चुअल कॉन्सेप्ट, अब आपको एलसीएम बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द स्टार्ट सिखाया जा रहा है, और इस तरीके से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया वैसे आप निकालेंगे। अब प्रैक्टिस के लिए सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास ये तीन एक्सप्रेशंस गिवन है, आपको ए बी और सी इनमें से सेलेक्ट करना है। ए आपके पास 24p² q³ और r⁴। जब आप इसको सेपरेट करेंगे 24 के फैक्टर्स बना लें, दैट इज 2³³ × 3 × p² 2 q³ 3 r⁴। सिमिलरली आपके पास बी है 104p⁵ q⁴ r⁵। आप 104 के फैक्टर्स बना लें, 2 × 2 × 2 × 13, तो आपके पास 2³³ × 13p⁵ q⁴ r⁵। और इसी तरीके से सी आपके पास है 300p³ 3 q⁵ कुछ नहीं है तो 1 r⁸। आप इसको सिंप्लीफाई करें 2² × 3 × 5² अब यहाँ पर आप हाईएस्ट पावर सबकी लेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम में आपको हाईएस्ट पावर लेनी ऑफ एवरी कोफिशिएंट एंड एवरी वेरिएबल। अब ए बी और सी तीनों में 2 की पावर हाईएस्ट 3 थी, ए बी और सी तीनों में 3 की पावर हाईएस्ट 1 थी, आपके पास 5 की पावर 2 हाईएस्ट थी, और 13 सिर्फ बी में था कहीं और नहीं था, तो आपके पास 13 की हाईएस्ट पावर भी 1 है। सारी नंबर, सारे वैल्यू, सारी आपकी जितनी भी चीजें आपके पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में गिवन है वो सब यहाँ पर इंक्लूड होगा। एचसीएफ में जो कॉमन था वो लिया जाता था, एलसीएम में आप यहाँ पर जो कॉमन है वो भी लेते हैं और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है वो भी लेते हैं। अब क्योंकि एलसीएम का मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन, लीस्ट का मतलब सबसे कम, आपके पास सबसे कम पावर 1 ही होगी, तो कम से कम आपके पास पावर 1 जो होगी वो भी इंक्लूड होगा। लीस्ट का मतलब ही कम से कम होता है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कॉमन है कम से कम। अब अगर आपके पास एक वैल्यू होती है कॉमन और एक होता है नॉन कॉमन, तो सब इंक्लूड किया जाता है। पावर जिसमें सबसे ज्यादा है उसको आप यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे 2 की पावर तीनों में 3 सबसे ज्यादा थी, तो आपने 2 की पावर बाकी जगह 3 के अलावा भी थी, 2 भी थी और भी डिफरेंट थी, तो आपने वहां पर जो हाईएस्ट पावर थी उसी को यहाँ इंक्लूड करना है। और सिमिलरली आपके पास p⁵ हाईएस्ट थी, q⁴ और r⁸ ये हाईएस्ट थी, तो हाईएस्ट पावर्स जितनी भी आपके पास तीनों एक्सप्रेशन तीनों पॉलिनोमियल में थी वो आपने यहाँ पर इंक्लूड की। एंड में आप कहेंगे इनको सॉल्व करने बाद 2³ 8 3 25 5² 13 मल्टीप्लाई करें, 78,000 आपके पास p⁵ q⁴ r⁸ ये एलसीएम आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी तरीके से आपके पास कोई भी सवाल आ जाए तो आपने इन किस्म के सवाल को ऐसे सॉल्व करना है। अब ये जिस तरह पिछले एचसीएफ में 2 कैटेगरी मैंने कर दी थी फैक्टराइजेशन की, उसी तरह यहाँ पर भी आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड की 2 कैटेगरी हैं। एक जहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं है। दूसरी कैटेगरी जहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट आपके पास हो रही है एक्सप्रेशन, फैक्टर्स नहीं है। तो जहाँ पर फैक्टर्स नहीं है वहाँ पर आप पहले फैक्टर्स बनाएंगे, तो पार्ट नंबर 3 से ऑनवर्ड डिस्कस करते हैं। अब थर्ड पार्ट में आपके पास ये 2 एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से, और उसके बाद आपने कहना लेट ए ये गिवन है, बी दूसरी वाली एक्सप्रेशन गिवन है। तो ए में आपके पास यहाँ इन दोनों के पास 7x कॉमन है, आपने 7x कॉमन लिया, पीछे 3x-2 रह गया, इसको इक्वेशन 1 कह दें। सिमिलरली बी के अंदर आपने उसी तरीके से देखा कि मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है 3+2 से, तो मिडिल टर्म ब्रेक की यहाँ पर 3x कॉमन है, यहाँ पर -2 कॉमन है, एंड में आपके पास x-1 × 3x-2 ये वैल्यू कॉमन आ गई, और इसको आप इक्वेशन 2 कह देंगे। अब दोनों के अंदर आपको नजर आ रहा है कि 3x-2 कॉमन है, जिस तरह एचसीएफ में कॉमन था, लेकिन एचसीएफ में सिर्फ आप कॉमन वैल्यू लिखते थे, एलसीएम में आप सिर्फ कॉमन वैल्यू नहीं लिखेंगे, आपके पास यहाँ पर दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करवाएंगे तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपके पास कॉमन फैक्टर 3x-2 है, और नॉन कॉमन फैक्टर्स एक 7x था ए में और बी के अंदर x-1, ये आपके नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी कि 7x × x-1 ये नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। अब एलसीएम का फॉर्मूला है, एलसीएम का एक फॉर्मूला है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, आपका एलसीएम का फॉर्मूला सिंस एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, तो देयरफॉर नॉन कॉमन फैक्टर आपके जितने भी हैं वो एक जगह, कॉमन फैक्टर्स जितने भी हैं वो एक जगह, तो कॉमन फैक्टर आपके पास 3x-2 था, नॉन कॉमन आपके पास 7x × x-1, एंड में आप एलसीएम कहेंगे कि 7x × x-1 × 3x-2 ये आपका एलसीएम आ गया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई सवाल गिवन हो 3x-2 इधर हो और यहाँ पर 1/7x × x-1 × 3x-2 हो, तो आप जब एलसीएम इसका लेंगे तो होल डिवाइड बाय 3x-2 एक दफा लिखेंगे,
और बाकी जो आपके पास 7x इंटू एक्स माइनस वन है, इसको आप अलग से करके लिख देंगे। तो एलसीएम लेने का तरीका ये है। ऑल दो पीछे आपने एक्सरसाइज चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के अंदर भी ये थोड़ा सा काम किया हुआ है, चैप्टर 6 में भी कहीं पे हमने ये काम किया था, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास डिटेल में डिस्कस हो रहा है कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसी तरीके से जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आपने एलसीएम निकाला, यहाँ पर भी वैसे ही निकालना है। तो यहाँ पर आप लेट कर लेंगे ए और बी क्या है। ए आपके पास ये गिवन है, बी आपके पास आपने वो दूसरे को कहा। इसमें आपको नजर आ रहा है कि मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, 7 × 4 28 होता है और 7 + 4 11। मिडिल टर्म ब्रेक करें, मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद आपके पास x+7 और x+4 ये दो फैक्टर्स आ गए। अब इसको जाहिर इतनी डिटेल में नहीं बता रहा है, मिडिल टर्म ब्रेक करना आपको आती है, हर जगह ऑलमोस्ट मिडिल टर्म ब्रेक हमने की है, तो इसको आप इक्वेशन 1 कहेंगे। सिमिलरली आपके पास बी दूसरी एक्सप्रेशन है, x² - x - 12, इधर भी आपकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है 4 - 3 करके। तो मिडिल टर्म ब्रेक जब करेंगे आपके पास x+4 × x - 3, ये दूसरी एक्सप्रेशन आ गई। तो कॉमन फैक्टर आपके पास आया x+4। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपने कहा बाय कंपेयरिंग करके कॉमन फैक्टर x+4 है, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, एक x+7 दूसरा x-3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया कि ये नॉन कॉमन फैक्टर्स आपके आ रहे हैं। तो उसी तरीके से आप कहेंगे सिंस एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर, आपके कॉमन फैक्टर x+4 और नॉन कॉमन x+7 × x-3, एंड में आप इसको अरेंज करके लिख दें और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो सिंपल एलसीएम निकालना आपके लिए, एचसीएफ जिस तरह निकाला था वैसे ही एलसीएम निकालना है। बस एचसीएफ आपके पास ये कॉमन फैक्टर हुआ करता था, एलसीएम आपके कॉमन इंटू नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। अब अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपके पास यहाँ पर तीन वैल्यूज, तीन एक्सप्रेशंस गिवन है। सिमिलरली ए बी और सी उसी तरीके से लेट करें। ए एक्सप्रेशन आपके पास ये गिवन है 6 × 3 और आपके पास 9 × 2, दोनों 18 होते हैं, 9 + 2 11। मिडिल टर्म आप इसकी ब्रेक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर आफ्टर रीअरेंजिंग बाय टेकिंग कॉमन आपकी वैल्यू 2x + 3 × 3x + 1, ये एक्सप्रेशन आ गई ए की। सिमिलरली बी, बी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि कुछ भी आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, तो जब मिडिल टर्म ब्रेक हो ही नहीं सकती तो आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, आप यहाँ कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह कुछ अप्लाई नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। सिमिलरली सी आपके पास अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, जैसे कि 12 - 1 आपका 11 होता है और 4 × 3 ये भी 12 होता है, तो 12 × 1 या 4 × 3 12 है, 12 - 1 11, मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, आपके पास x - 4 × 3x + 1 ये वैल्यूज आ गई, ये फैक्टर्स आ गए। अब ए और बी में दोनों में कॉमन आपके पास 3x + 1 है, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आपके पास कॉमन फैक्टर 3x + 1 आ रहा है, नॉन कॉमन फैक्टर 2x + 3x - 4 और पूरी बी जो एक्सप्रेशन थी 2x² - 5x - 11, क्योंकि ये फैक्टर्स नहीं बन रहे थे तो ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। फॉर्मूला आपके पास अब आपको याद हो जाना चाहिए, सिंपल सा है आपका, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम आपके पास कॉमन फैक्टर था 3x + 1 और बाकी जितने भी थे वो नॉन कॉमन फैक्टर्स थे, आप उसे मल्टीप्लाई करके लिख दें, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और अब नेक्स्ट सिक्स पार्ट पे बात करते हैं। सिक्स पार्ट आपके पास यहाँ पर तीन एक्सप्रेशन ए बी और सी आपने लेट की है। ए में आपको नजर आ रहा है a² - b² अप्लाई होगा, तो a - b × a + b यानी x - y × x + y ये आपके एक्सप्रेशन आ गए, इसको इक्वेशन 1 आपने कहा। नेक्स्ट आपके पास b x³ - y³, a³ - b³ से ओपन करें, a - b² + ab + b² ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। और सिमिलरली सी आपके पास x²+x²y² + y⁴ ये गिवन है, इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, ना ही ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आपने इसको एज इट इज इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब आपको नजर आ रहा है कि x - y दोनों जगह कॉमन है, तो बाय कंपेयरिंग बोथ, बल्कि तीनों इक्वेशंस, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 आपके कॉमन फैक्टर x - y है और नॉन कॉमन फैक्टर x² + x²y² + x²y² + x²y² + y⁴। जितने भी नॉन कॉमन है उसको एक तरफ, तो फॉर्मूला आपके पास सिंपल सा एलसीएम का कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर, आपने सबको मल्टीप्लाई कर दिया और एंड में आपके पास ये आंसर भी आ सकता है, लेकिन आप इसमें से आंसर इसको कहने के बजाय आप कहेंगे x - y × x²-xy + xy + y² ये a - b × a² + ab + b² की फॉर्म है, दैट इज a³ - b³, और आपके पास x + y और दूसरी वैल्यू अपनी जगह एज इट इज, तो यहाँ पर आप इसको फाइनल आंसर कहेंगे। और इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स डिस्कस हो जाते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में आपको यहाँ पर डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। डिवीजन मेथड आपके पास किस तरह से होगा, जैसे आपने एचसीएफ के लिए किया था वैसे ही आपने यहाँ पर एलसीएम के लिए भी काम करना है, लेकिन यहाँ पर एलसीएम का आगे एंड में थोड़ा सा चेंजेस आती है, बाकी सारा एचसीएफ वाला ही है। तो हम बेसिकली एचसीएफ ही फाइंड कर रहे होंगे, कॉमन वैल्यू ही फाइंड कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से। तो आपके पास सोल्यूशन की हेडिंग डलेगी, आपने ब्लू मार्कर सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है। लेट करना है पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, दोनों पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ एक्स है, एक को पी से रिप्रेजेंट किया एक को क्यू से रिप्रेजेंट किया, तो ये पी ऑफ एक्स कह दें, इसको क्यू ऑफ एक्स कह दें। अब यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस आपके पास गिवन है, आपने एच सी एफ निकालना है बाय डिवीजन मेथड, जिस तरह क्वेश्चन नंबर टू में आपने निकाला था। तो यहाँ पर एच सी एफ निकालेंगे, एक वैल्यू को आप डिविडेंड बना दें अंदर रख दें, एक को डिवाइजर बाहर रख दें। तो यहाँ पर सिंपल मैं वन से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, आपके साइन चेंज होंगे तो आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, पीछे आपके पास माइनस 24 एक्स और प्लस 120 ये वैल्यू आ गई। इधर माइनस 24 कॉमन है, पीछे एक्स माइनस 5, निगलेक्ट कर देंगे माइनस 24, तो निगलेक्ट करने पर माइनस 24 आपके पास एक्स माइनस 5 वैल्यू आ गई। अब आप अपनी इस एक्स माइनस 5 को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 अब आपका डिविडेंड बन गया और एक्स माइनस 5 आपका डिवाइजर बन गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स और एक्स आपस में मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x, पीछे आपके पास ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपके 4x बच गया, माइनस 20 अपनी जगह नीचे आ गया, तो आपका 4 मल्टीप्लाई होगा 4x से, तो आपका 4x माइनस 20, साइन चेंज करें, आपकी वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट होंगी और रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप कहते हैं कि ये वैल्यू आपकी एच सी एफ कहलाएगी जिसने डिवाइड किया और आंसर रिमाइंडर 0 आ गया। देयरफॉर एच सी एफ आपके पास x माइनस 5 आ गया। अब हम निकाल तो एलसीएम रहे, लेकिन एच सी एफ क्यों निकाल रहे हैं हम, हमें सवाल में तो क्या एलसीएम निकालने, वजह उसकी ये कि आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि एलसीएम बराबर होगा जो भी आपकी इक्वेशंस गिवन है पॉलिनोमियल, उसको प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट ले लें, मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसको डिवाइड करवा दें एच सी एफ से। यानी कि आपके पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एक्स और ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ एक्स गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करवा दें अपने एच सी एफ से। ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की वजह से हमने अब तक एच सी एफ निकाला। तो दो इक्वेशंस जो हमें शुरू में गिवन थी पी एक्स और क्यू एक्स, जिसको हमने लेट किया था, उन दोनों को आपस में हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करवा दिया और जो आपके पास एच सी एफ आया दैट इज एक्स माइनस 5, वो आपने डिवाइड करवा दिया। अब यहाँ पर आप ऐसे ही आंसर नहीं छोड़ सकते, ऊपर आपके जो इक्वेशंस गिवन है वो अगर मिडिल टर्म से ब्रेक हो सकती हैं तो आप उसको ब्रेक कर लें। तो मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है 20 प्लस 5 यानी 20 इंटू 500 होता है, मिडिल टर्म ब्रेक होगी। और सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट है आपके पास 5 माइनस 4 यानी 5 इंटू 4 20, बीच में माइनस साइन आएगा, 5 माइनस 4 1 होगा, मिडिल टर्म इस तरीके से आप ब्रेक करेंगे। अब मिडिल टर्म दोनों की आपने ब्रेक करनी है न्यूमरेटर में, तो ऊपर दोनों वैल्यूज आफ्टर सॉल्विंग, यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ, जो पहली इक्वेशन है उसमें x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 5 ये वैल्यू आ गई और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 आ गया। आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना आती है, स्टेप सारे पूरे मैंने प्रॉपर किए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो बहरहाल अब यहाँ पर आपके पास x माइनस 5 डिवाइड भी हो रहा है और न्यूमरेटर में दो जगह है, आप किसी एक को कैंसिल कर दें किसी एक ब्रैकेट से, तो मेरे पास x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 ये फाइनल वैल्यू आ गई एलसीएम की और यही आपका आंसर होगा। आप इसके बाद इसमें इस या तो हाईलाइट कर दें या ये आप इसका आंसर ऐसे लिख दें। तो सिंपली आपके पास फर्स्ट पार्ट इस तरीके से होगा और आगे के जितने भी पार्ट्स हैं वो भी सेम ऐसे ही होंगे। अब अपने सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, अगर पिछले सवाल में आपको समझ नहीं आया तो इसको आप डिटेल में डिस्कस कर लें। आपके पास यहाँ पर दो एक्सप्रेशन हैं जिस तरह पीछे गिवन थी, एक को आपने लेट किया सोल्यूशन की, पहले तो ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे फिर उसके बाद अंडरलाइन करेंगे ब्लैक से, लेट करेंगे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ये दोनों एक्सप्रेशन है। आप जो वैल्यू बड़ी है उसको अंदर और जो वैल्यू छोटी है उसको बाहर रख दें, यानी 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को अंदर और बाहर दूसरी वैल्यू। यहाँ पर अगर 6x स्क्वायर चाहिए 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो आपके पास 6x स्क्वायर, सिमिलरली आपके बाकी वैल्यूज भी मल्टीप्लाई होंगी, तो प्लस 28x प्लस 16 ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई। अब डिवाइड हो रहा है तो ज़ाहिर साइन चेंज होंगे, आपके यहाँ पर 6x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 27x और माइनस 18 ये वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों में माइनस 9 कॉमन है तो पीछे 3x प्लस 2 ये वैल्यू आपकी आ गई, ओमिट कर दें निगलेक्ट कर दें माइनस 9, तो आपके पास 3x प्लस 2 बेसिकली अब ये एक्सप्रेशन डिवाइड होगी इस एक्सप्रेशन से,
तो यहाँ पर आपके पास जो बाकी रिमेनिंग वैल्यू है वो उसको डिवाइड कर दें, 3x² + 14x + 8 अंदर और 3x + 2 आप बाहर रखेंगे एज अ डिवाइजर। तो यहाँ पर मुझे 3x² चाहिए, 3x है सिंपल, x से मल्टीप्लाई करूंगा, 3x² + 2x आ गया। आपके वैल्यूज साइन चेंज होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपका 14 - 2 = 12x + 8 अपनी जगह। आप 3x और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12x + 8, ये भी आपके साइन चेंज होने पर वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब आपने इसको सॉल्व कर लिया, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया, तो आप कहेंगे कि हेंस यहाँ पर आपके पास जो 3x + 2 है दैट इज बेसिकली द HCF, कॉमन फैक्टर है हाइएस्ट। तो आप कहेंगे देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 3x + 2। आगे फॉर्मूला आपके पास यही सेम रहेगा LCM का, कि आपका LCM बराबर होता है दोनों इक्वेशंस के प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय HCF के। तो आपने QX और PX दोनों को पुट किया डिवाइड बाय 3x + 2। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस में देखेंगे क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। जी बिल्कुल हो रही है, आपके पास 14 यहाँ पर मिडिल टर्म है, दैट इज 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24 यानी कि 12 + 2। सिमिलरली 6 × 2 आपका 12 और 4 × 3 ये भी 12 होता है, 4 - 3 आपके पास ये मिडिल टर्म आ गई, मिडिल वैल्यू आ गई। मिडिल टर्म ब्रेक करना क्योंकि आपको डिटेल में समझाया हुआ है तो आपको इस वक्त आना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब मैं बिल्कुल इसको एंड में डिस्कस कर रहा हूँ, पीछे ये स्टेप्स आप खुद पूरे करें। आपके पास जो कॉमन आएगा दैट इज x + 4 × 3x + 2 और सिमिलरली 3x + 2 × 2x - 1, ये दोनों ब्रैकेट्स, दोनों एक्सप्रेशंस जो आपको सवाल में गिवन थी, न्यूमरेटर इस तरीके से फैक्टराइज हो गया। एंड में आप किसी एक ब्रैकेट से कैंसिल करते हैं तो 3x + 2 × x + 4 × 2x - 1 ये वैल्यू आपके आगे LCM की, अरेंजमेंट आगे पीछे आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो एंड में आप इसका आंसर LCM का यहाँ पर ये दे देंगे, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको ये दो एक्सप्रेशंस गिवन है, इधर आपको उसी तरीके से लेट करना है PX एंड QX दोनों को, और फिर आपने फाइंड करना है HCF बाय डिवीजन मेथड, क्योंकि आपके सवाल में कहा था डिवीजन मेथड से मालूम करें। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर मैं PX, तो ये एज इट इज कह रहा हूँ, इसको अरेंज कर रहा हूँ पहले प्रॉपर x² फिर y² फिर z², फिर उसके बाद जो भी उनका प्रोडक्ट है। तो मैंने यहाँ पर -x² + y² - z² - 2xz इस फॉर्म में पूरी इक्वेशन, पूरी एक्सप्रेशन को लिख दिया। अब आप डिवीजन मेथड के लिए किसी भी वैल्यू को अंदर रख सकते हैं या बाहर रख सकते हैं क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर मैंने x² जो पॉजिटिव वाली PX थी इसको अंदर रखा, QX को बाहर डिवाइड कर दिया। अब मुझे यहाँ पर +x² चाहिए, यहाँ मेरे पास -x², तो मैं -1 से मल्टीप्लाई अगर करवाऊँ तो मेरे पास -±+x², और क्योंकि -1 अब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो -y² - -+z² - -+2xz। यहाँ पर जहां पर भी आपके डिफरेंट साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे, तो जहां पर प्लस था वहां माइनस और जहां पर माइनस है वहां प्लस साइन हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर x² और ये वाली वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, x² डायरेक्ट कैंसिल करें, माइनस और ये आपका y² ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे आपके पास माइनस और -2z² आपका -2yz और -2xz अलग अलग करके लिखेंगे क्योंकि ये आपस में कोई भी कैंसिल नहीं हो रहे। इन तीनों में आपको नजर आ रहा है कि 2z माइनस के साथ कॉमन आ रहा है, तो -2z कॉमन लेने पर पीछे z + y + x ये वैल्यू कॉमन आ गई। आप निगलेक्ट कर देंगे -2z को, तो -2z को निगलेक्ट करने के बाद आपके पास जो ये एंड में रिमाइंडर आया, अब ये डिवाइड होगा जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन में आपका डिवाइजर था। तो इस एक्सप्रेशन को आप x + y + z पहले लिख लें और जो दूसरी एक्सप्रेशन आपकी थी वो एज इट इज आपने लिख दी। अब यहाँ पर मेरे पास x² है, मुझे -x² चाहिए, तो मैं -x से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास -x² आ जाएगा। सिमिलरली -xy से मल्टीप्लाई होगा तो -xy और -xz। अब यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज सेम है, अपोजिट साइन क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, आपके पास x² वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी और पीछे आपके पास यहाँ पर y² + xy अपनी जगह, z² माइनस का और यहाँ पर -2 और +x यानी +1xz -xz में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे यहाँ पर xy चाहिए और मेरे पास ऊपर डिवाइड में सिर्फ x है, तो मैं y से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो मेरे पास xy + y² + yz ये आपके पास तीन एक्सप्रेशंस आ गई। साइन चेंज होंगे, एक्स वाई कैंसिल आउट होगा, ये आपका y² भी कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे आपके पास -z² - yz और -xz ये वैल्यू आ गई। यहाँ इन तीनों के पास -z कॉमन है, तो z + y + x यहाँ पर भी कॉमन आ गया।
अब आपने उसी तरीके से यहाँ पर अपनी वैल्यू को माइनस जेड को निगलेक्ट किया और जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है इसको आप डिवाइड करवा देंगे इस वैल्यू से, तो जो भी आपके पास रिमाइंडर आएगा वो ऊपर जो आपका डिवाइजर था उसके पास जाके सिंपल डिवाइड हो जाएगा अगले स्टेप में। तो आप नाउ जो आपके ऊपर एक्स प्लस वाई प्लस जेड वैल्यू थी और जो यहाँ रिमाइंडर एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया, दोनों को आपस में डिवाइड करें तो दोनों सेम है, वन से मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड में रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर एंड में जो रिमाइंडर जीरो आया है इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो वैल्यू आई है इसमें डायरेक्ट आपका एच सी एफ पता चल गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर आपका एच सी एफ है तो आपको फॉर्मूला पता है, आप कहेंगे सिंस वी नो दैट पी एक्स इंटू क्यू एक्स डिवाइड बाई एच सी एफ, ये आपके पास एलसीएम का फॉर्मूला है, पी एक्स और क्यू एक्स सवाल में गिवन है, एच सी एफ आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपने निकाल लिया। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू सारी पुट करने पर ये आपकी एक्सप्रेशन आ गई। अब ऊपर आपके पास माइनस बल्कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड इन तीनों में माइनस कॉमन है, तो मेरे पास माइनस बाहर कॉमन लेने पर वाई स्क्वायर प्लस टू प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू वाई जेड। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास इन तीनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया फिर जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी की फॉर्म है, तो मेरे पास अगर ए वाई है और बी जेड है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, बजाय आप साइड पे हवाला दें डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था इसको एक्स का स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर था इसको वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो यहाँ पर भी आप न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज ए माइनस बी ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सिमिलरली यहाँ दूसरी ब्रैकेट में भी ए और बी का स्क्वायर है ये, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसकी फॉर्म में आपने लिख लिया और आपका डिनोमिनेटर में ये वैल्यू अपनी जगह एक्स प्लस वाई प्लस जेड चलता आ रहा है। एंड में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास ये सॉल्व करने पर इस वाली वैल्यू को एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जाहिर है माइनस आपकी ब्रैकेट में सबके पास जाके मल्टीप्लाई हो, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज ओपन हो गया, ये आपके पास वाई माइनस एक्स माइनस जेड और ये वाली एक्सप्रेशन आपके पास वाई प्लस एक्स प्लस जेड। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड दो है तो ये को कैंसिल कर दें, आपके पास पीछे एक्स माइनस वाई माइनस जेड ये वैल्यू, आपके दूसरा वाई माइनस एक्स माइनस जेड और सिमिलरली वाई इसको आप पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दें बजाय वाई प्लस एक्स प्लस जेड के, तो इस तरीके से आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। लेकिन किताब ने थोड़ा सा डिफरेंट काम किया है, किताब में आपके पास कहा है कि दो एक्सप्रेशन आप लें और इन दोनों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब एच सी एफ वन होगा, ऑल दो मैंने भी आपको उसी सवाल को सॉल्व करवा के कॉमन फैक्टर निकाल के दिखाया है। तो किताब के मुताबिक आपके पास यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा एच सी एफ वन है, तो सिंप्लीफाई कर दें आपके पास एल सी एम आगा आंसर ये वाला आ रहा है, तो आपको ये वाला आंसर नहीं लिखना एग्जाम में अगर आता है, तो जो ऊपर मैंने आपको सवाल करवाया उसी तरीके से आपने करना है। ऑल दो किताब ने जिस तरीके से आंसर दिया उसका सोल्यूशन यहाँ पर मैंने ये कर दिया है, लेकिन आपको ये नहीं करना फाइनल एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर फोर। अब फोर्थ पार्ट में आपके पास ये दो एक्सप्रेशंस गिवन है, सिमिलरली आप इसको एक को पी एक्स और दूसरे को क्यू एक्स रिप्रेजेंट करेंगे। आपने यहाँ पर देखना है कि मेरे पास पी एक्स के अंदर डिवाइड अगर कर दूं थ्री से तो सारी वैल्यूज आपकी थ्री से डिवाइड हो सकती हैं, और सिमिलरली क्यू एक्स को अगर मैं फोर से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर भी सारी वैल्यूज फोर से डिवाइड हो सकती हैं। तो मैंने सिंपली क्या किया, डिवाइड कर दिया पी एक्स को थ्री से और क्यू एक्स को फोर से ताकि मेरी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो पी एक्स और क्यू एक्स दोनों को जब थ्री से डिवाइड करेंगे थ्री और फोर से, तो यहाँ पर थ्री डिवाइड बाई थ्री वन, नाइन डिवाइड बाई थ्री आपका थ्री और एटी फोर डिवाइड बाई थ्री ट्वेंटी एट। सिमिलरली फोर डिवाइड बाई फोर वन, ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई फोर सिक्स, थर्टी टू डिवाइड बाई फोर एट। आपकी जो नई एक्सप्रेशन आई दैट इज एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एट एक्स और दूसरी एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क्वायर, ये दो एक्सप्रेशंस आ गई। ये दोनों एक्सप्रेशंस अब आपने इसको सॉल्व करना है। अभी जो पी एक्स और क्यू एक्स आपने चेंज किया है इसको एच सी एफ इन दोनों का डिवाइड करके डिवीजन मेथड से निकाल लें, तो मेरे पास जो बड़ी वैल्यू है उसको अंदर रखूंगा एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क्वायर और बाहर जो डिवाइजर है वो छोटी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एट एक्स।
एक्स की पावर 4 है, एक्स क्यूब को चाहिए मुझे एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास यहाँ पर एक्स की पावर 4 आ जाएगी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास 3x² इंटू एक्स 3x³ और 28 इंटू एक्स आपके पास -28x² साइन चेंज होंगे, आपके पास यहाँ पर 9x³ और दूसरा आ गया +36x² अब यहाँ पर आपके पास क्योंकि 9x³ चाहिए, सिंपल मेरे पास यहाँ x³ है, तो मैं -9 को मल्टीप्लाई करूंगा x³ से, तो मेरे पास -9x³ आ जाएगा। तो -9 इंटू x³ सिमिलरली -9 मल्टीप्लाई होगा 3x² से, तो -27x² और माइनस माइनस प्लस 28 इंटू 9 252x। एंड में जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू ये कैंसिल आउट होगी, इधर आपके पास इन दोनों का जो सम आएगा वो 63x² और ये आपकी वैल्यू एज इट इज -252x। इन दोनों में आपके पास 63 कॉमन है, तो 63 आपने कॉमन लिया, आपके पास x² -4x आ गया। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मेरे पास जो x² -4x आया है, क्योंकि ये रिमाइंडर है, इसको आप डिवाइड करवाएंगे अब अपने इस वैल्यू से, तो आपके पास आफ्टर सॉल्यूशन नाउ आपके पास x³ +3x² -28x, ये एक्सप्रेशन सवाल में गिवन थी, इसको आप डिवाइड करवाने जो रिमाइंडर आया है दैट इज x² -4x। x³ है तो x² मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो आपके पास डायरेक्ट x³ आ जाएगा और यहाँ पर x मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस के साथ, तो -4x² साइन चेंज होंगे, वैल्यू ये कैंसिल आउट हो गई, 3 + 4 7x² -28x अपनी जगह। अब क्योंकि मुझे 7x² चाहिए, मेरे पास x² डायरेक्ट है, तो मैं 7 को मल्टीप्लाई करूंगा x² से, तो 7x² सिमिलरली 7 मल्टीप्लाई होगा -4x से, तो आपके पास -28x साइन चेंज होंगे, वैल्यू सॉल्व होने पर आंसर रिमाइंडर 0 आ गया। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, तो जिस एक्सप्रेशन की वजह से 0 आया है वो एक्सप्रेशन आपकी HCF कहलाएगी, तो आप कहेंगे देयरफॉर HCF आपके पास ये आ गया। HCF जब ये आया है तो आप इसको गायरे यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें x इंटू x -4, ये HCF आ गया। LCM निकालने का फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है, दैट इज दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय HCF। तो आप अपनी दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दें, आपके पास यहाँ पर ये दोनों एक्सप्रेशन सवाल में गिवन थी। फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपको नजर आ रहा है 3x कॉमन है, तो आपने 3x कॉमन लिया, और दूसरी एक्सप्रेशन में आपको नजर आ रहा है कि आपके पास 4x² कॉमन है, तो आपने 4x² यहाँ से कॉमन ले लिया, होल डिवाइड बाय x इंटू x -4, ये अपनी जगह चल रहा है। यहाँ पर अब आपके पास 3x इधर से जब कॉमन लिया, तो पीछे x² +3x -28, इधर मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है, 28 इंटू 1 28 और 7 इंटू 4 भी 28 होता है, दैट इज 7 -4। और दूसरी आपके पास जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर 8 इंटू 1 8 होता है और 6 आपके पास 4 +2 है, तो ये भी मिडिल टर्म आपने ब्रेक कर ली, 4x² और 3x को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 12x अलग और x² अलग। x क्यों अलग? क्योंकि ये x इस x से मुझे कैंसिल करना है, तो पीछे मेरे पास 12x² यहाँ पर। इसका जब आप मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्यूशन करेंगे, वो सॉल्यूशन आप यहाँ पर खुद देखेंगे, मैं आपको नहीं समझा रहा क्योंकि ये काम पीछे आपको काफी दफा मैं समझा चुका हूँ। तो एंड में आपके पास ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये एक्सप्रेशन है मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद x +7 इंटू x -4, और दूसरी एक्सप्रेशन आपके पास x -4 इंटू x -2। अब यहाँ पर दो ये सारी ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, दो वैल्यू x -4 कॉमन है, तो किसी एक से आप कैंसिल कर दें, पीछे आपके पास 12x² इंटू x +7 इंटू x -4 इंटू x -2, ये फाइनल LCM का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक जितने भी आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक काम किया है, ये सारा काम आपको एक जर्नल आइडिया प्रोवाइड करना था कि HCF और LCM क्या होता है। अब HCF और LCM आपको पता चल गया कि होता क्या है, तो उसकी बेसिस पे आगे जितने भी क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड है, इसमें आपको कंडीशंस बता दी हैं कि इस कंडीशन पे आपके पास दूसरी वैल्यू बताई जाए कि क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं, आपसे सवाल में कहा इफ द HCF ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस इज x -3, तो HCF पहले ही बता दिया x -3 है, फाइंड करके बताएं कि LCM क्या होगा। अब इस सवाल को हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन की ब्लू मार्कर से प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन ब्लैक मार्कर से करेंगे, फिर उसके बाद लेट करेंगे कि आपको पी ऑफ एक्स सवाल में गिवन है, एक को पी ऑफ एक्स कह दें, एक को क्यू ऑफ एक्स कह दें। तो पी ऑफ एक्स को आपने कहा x² -11x +24, मिडिल टर्म ब्रेक करें 8 +3, आपके पास यहाँ पर सॉल्व करने पर x -8 इंटू x -3 मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। सिमिलरली दूसरी एक्सप्रेशन को आपने क्यू ऑफ एक्स कह दिया, क्यू ऑफ एक्स आपके पास ये वैल्यू आ गई, अब इसमें मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब आपको मजीद सवाल में कहा है कि HCF आपका x -3 है, तो जब आपके पास px qx दोनों आपके पास मौजूद हैं, HCF मौजूद है,
तो फॉर्मूला एलसीएम का आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। एलसीएम होता है पी एक्स इंटू क्यू एक्स डिवाइड बाई एच सी एफ। तो पी ऑफ एक्स आपने फैक्टराइज कर लिया, क्यू ऑफ एक्स एज इट इज, ये आपका फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो एक्स माइनस थ्री कैंसिल आउट करें, एक्स माइनस एट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ गया एलसीएम का। तो यहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर फाइव या ऐसे ही कोई ना कोई आपके पास कंडीशन गिवन होगी और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेशन फाइंड करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, द एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू एक्सप्रेशन आर गिवन, यानी एच सी एफ भी बता दिया एल सी एम भी बता दिया। इफ वन एक्सप्रेशन इज गिवन, ये आपके पास पी ऑफ एक्स फॉर एग्जाम्पल है एक, फाइंड द सेकेंड एक्सप्रेशन क्यू ऑफ एक्स निकालें। तो जो डाटा गिवन है आपने सोल्यूशन की ब्लू मार्कर से हेडिंग डालनी है और फिर उसके बाद प्रॉपर तरीके से कहना है, सिंस गिवन दैट एच सी एफ एक्स प्लस थ्री है और एल सी एम आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है। ऑल्सो आप लेट करेंगे कि पी ऑफ एक्स ये एक्सप्रेशन गिवन है, ये सारा डाटा आपको सवाल में गिवन है और आपसे कहा है कि दूसरी एक्सप्रेशन फाइंड करें दैट इज क्यू ऑफ एक्स। अब एच सी एफ भी है एल सी एम भी है, आपके पास एक एक्सप्रेशन भी है, तो आपका जो एल सी एम का फॉर्मूला था उसके थ्रू आपने यहाँ पर कहा, सिंस वी नो दैट एल सी एम, वहां पर आप एच सी एफ को इधर भेज के डिवाइड करते थे, तो अब आपने एच सी एफ उधर भेज दिया, तो आपके पास एल सी एम इंटू एच सी एफ बराबर है पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स के। तो क्यू ऑफ एक्स यानी पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ एक्स जो सेकंड है, ये पी एक्स उधर भेज के डिवाइड कर दें, आपके पास एल सी एम इंटू एच सी एफ डिवाइड बाय पी ऑफ एक्स, ये एक्सप्रेशन आ गई। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपके सवाल में जितना भी डाटा गिवन है उसको आप यहाँ पर पुट कर दें। तो एल सी एम आपको गिवन था, वो आपने यहाँ पुट कर दिया, एच सी एफ गिवन था और ये एक्सप्रेशन गिवन थी। अब यहाँ पर आपको जाहिर है अगर मिडल टर्म ब्रेक करके हो सकता काम तो आप मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, जैसे कि नीचे तो आपके पास मिडल टर्म ब्रेक होगा, ऊपर भी आपके पास अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके शायद आप निकाल लें, लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस है। तो आपके पास दूसरा तरीका होता है कि आप इस ब्रैकेट को, जाहिर है दूसरी ब्रैकेट ये डिवाइड कर रही है इसको, तो आपने यहाँ पर डिवीजन मेथड अप्लाई करना है, आपने डिवाइड करना है ये जो ये एक्सप्रेशन है इसको बाय दिस एक्सप्रेशन। तो आपकी जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको अंदर रखा, इसको डिविडेंड आपने कहा, बाय का मतलब ये डिवाइजर है, तो अब आप इसको डिवाइड कर लें क्योंकि डिवीजन मेथड आपको सिखा दिया डिवाइड करना आता है। यहाँ पर एक्स क्यूब है, आपको एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, एक्स क्यूब यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली 8x भी मल्टीप्लाई होगा x से, तो 8x स्क्वायर 15x आपका अपनी जगह। तो यहाँ पर आफ्टर सॉल्यूशन जब आपके साइन चेंज होंगे, वैल्यू आपकी x स्क्वायर x क्यूब कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस 8x माइनस 15 ऊपर से अपनी जगह चलता आ रहा है। अब क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर माइनस के साथ चाहिए और यहाँ पर प्लस है, तो आप माइनस 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर से, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस 15, ये सारी वैल्यूज आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो आपके पास जिस तरीके से पीछे मैंने आपको बताया कि 15 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 15 एंड में आंसर 0 आएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर कह रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 15 होगा। तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन आई है वही आप इस तरीके से भी लिख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन थी ये वाली, जिस तरह 15 यहाँ पर आपने कहा, ये वाली एक्सप्रेशन ये बराबर है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। कैसे? आपके पास x माइनस 1 ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इस वैल्यू से, तब जाके आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इस तरीके से आपने कहा कि आपके यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 बराबर है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के। तो एंड में आप यहाँ पर इसको Q of x जो जहां पर ऊपर आपने वैल्यू लिखी हुई थी, ये आपने बड़ी सी इक्वेशन को रिप्लेस कर दिया बाय दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर आपके पास ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, पीछे आपके पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ये रह गया। और फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जाहिर है आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन बताने, फैक्टर्स नहीं बताने, सवाल में क्या सेकेंड एक्सप्रेशन बताएं, आपके सेकेंड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स नहीं बताने। तो आप सिंपली x को मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले x माइनस 3 फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3 से, तो x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सॉल्व करने पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 3 ये फाइनल आंसर आएगा। यही सवाल में आपसे कहा था निकाल के बताएं, तो एंड में आपने इस तरीके से अपना आंसर दे दिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास यहाँ पर एच सी एफ और एल सी एम दो पॉलिनोमियल इक्वेशंस का गिवन है ऑफ सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री का मतलब होता है पावर जिसकी 2 हो। तो आपके पास यहाँ पर एल सी एम और एच सी एफ, एच सी एफ ये गिवन है, एल सी एम आपके पास ये गिवन है। तो अब यहाँ पर आपसे कहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, अलग अलग पॉलिनोमियल नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट बताएं।
तो आप सोल्यूशन की आप प्रॉपर हेडिंग डालेंगे और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर कहना है सिंस आपको जो वैल्यू गिवन है, सिंस गिवन दैट HCF ये गिवन है, LCM आपका ये गिवन है। तो अब आपके पास HCF और LCM जब दोनों गिवन है, आपसे सवाल में कहा वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स। अब दो पॉलिनोमियल P और Q ऑफ X है, दैट इज PX इंटू QX आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जो डाटा गिवन है उसके मुताबिक आपने यहाँ पर कहना है सिंस वी नो दैट फॉर्मूला हमें याद है, दोनों इक्वेशंस दोनों पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट बराबर होता है LCM और HCF के प्रोडक्ट के, LCM हमें गिवन है, HCF हमें गिवन है, तो आपके पास ये 3x पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर आपका माइनस 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। आप सॉल्व कर लें 3x इंटू 3x क्यूब 9x की पावर 4, सिमिलरली 21x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, और यहाँ पर ये जब माइनस 2 मल्टीप्लाई हो तो माइनस 6x क्यूब प्लस माइनस माइनस 14x स्क्वायर और प्लस 8। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें, आपके पास फाइनल आंसर आएगा 9x की पावर 4, 15x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 8। ये फाइनल आंसर इस तरीके से आपने निकाल दिया, छोटा सा क्वेश्चन है और इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, छोटी छोटी चीजें आपको सिर्फ मालूम करनी है, कॉन्सेप्ट डिटेल आपको पता होना चाहिए, बेसिक जनरल नॉलेज आपकी होनी चाहिए कि HCF LCM क्या होता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपसे कहा है कि वेरीफाई करें रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, जो कि आपके पास ये आपने पीछे भी यूज किया है, फॉर द पॉलिनोमियल्स PX एंड QX गिवन। ये दो पॉलिनोमियल इक्वेशंस आपको गिवन है, आपने क्या कहना है कि ये जो फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा था, ये फॉर्मूला जो आप पीछे इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसको प्रूफ करके बताना है कि इन दोनों इक्वेशंस जो आपको गिवन है PX और QX, उसके लिए ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि ये वैलिड भी है या नहीं है। तो जब भी आपके पास शो दैट, वेरीफाई दैट या इस तरह के कोई आपके पास प्रूफ करने को आता है क्वेश्चन, तो आप हमेशा हेडिंग सोल्यूशन की जगह प्रूफ की डालते हैं। तो आपने प्रॉपर सोल्यूशन की जगह प्रूफ की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से और अंडरलाइन ब्लैक से करना है। तो प्रूफ की हेडिंग यहाँ तो जाहिर है मेरे अपने सोल्यूशन से मैंने अपने लिए किया, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में आपको प्रॉपर मार्कर इस्तेमाल करने, प्रेजेंटेशन अच्छी बनानी है। तो प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, कहेंगे सिंस गिवन दैट पी एक्स आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है और सिमिलरली क्यू एक्स आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है। पी एक्स में आपके पास यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, 10 इंटू 2 20 और 10 माइनस 2 8 होगा। सॉल्व करने पर पी एक्स आपके पास एक्स माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 2 ये पी एक्स आ गई। सिमिलरली क्यू ऑफ एक्स आपको निकालना है, तो क्यू ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 50। यहाँ पर आपके पास जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे 10 प्लस 5 से, तो आफ्टर सोल्यूशन आपके पास एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 5 ये वैल्यू आ गई। अब दोनों एक्सप्रेशन में आपके पास क्योंकि एक्स माइनस 10 कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि HCF आपके पास दोनों के अंदर कॉमन है, दैट इज एक्स माइनस 10, और बाकी जो नॉन कॉमन वैल्यू है वो आपके पास जितने भी रिमेनिंग है वो आ जाएंगे, बजाय इसके डिटेल में बताने के कॉमन क्या है नॉन कॉमन क्या है, डायरेक्ट आप कहेंगे देयरफॉर HCF x माइनस 10 है और LCM कॉमन फैक्टर दैट इज x माइनस 10, नॉन कॉमन फैक्टर्स दैट आर x प्लस 2 और x माइनस 5, ये आपके पास HCF और LCM आ गया। आप कहेंगे दस आपके पास जो HCF और LCM है दैट इज आपका LCM और HCF का प्रोडक्ट ले लें, x माइनस 10 इंटू x माइनस 10 इंटू x प्लस 2 x माइनस 5, आपके पास ये इक्वेशन वन आ गई। ये आपने सारे जितने भी HCF और LCM के फैक्टर्स से आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास जितने भी HCF और LCM से रिलेटेड फैक्टर्स आए थे, इसको आपने इक्वेशन वन कह दिया। अब आप अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे आएंगे और कहेंगे ऑल्सो जो आपका प्रोडक्ट है पी एक्स और क्यू एक्स का, आपके पास यहाँ पर ये सवाल में गिवन था एक्सप्रेशन, और ये इनके एक्सप्रेशंस के आपने प्रोडक्ट्स फैक्टर्स ये निकाल लिए थे खुद ही, तो ऊपर आपने ये सारा काम किया, बजाय ये दोबारा करने के आप डायरेक्ट इस तरीके से एक स्टेप में लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर पूरा सोल्यूशन करके आप बता चुके हैं। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स आपके पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्सप्रेशन, और इनको आफ्टर सोल्यूशन आफ्टर ब्रेकिंग द मिडिल टर्म यानी फैक्टराइजेशन, ये चार फैक्टर्स आपके दो एक्सप्रेशन के आ गए, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये चारों फैक्टर इस तरीके से इक्वेशन टू का नाम इसको दे दिया आपने। अब अगर आप गौर करें तो जो आपकी इक्वेशन वन आई थी और जो आपकी इक्वेशन टू आई है, दोनों में जो फैक्टर्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं, तो आप कहेंगे देयरफॉर बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, आपके LCM लेफ्ट साइड जो थी LCM इंटू HCF बराबर है पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स के, और सवाल में आपको यही प्रूफ करने को कहा था, तो आपने कहा एंड में हेंस वेरीफाइड आंसर आपका यहाँ पर प्रूव हो गया। सवाल में आपसे कहा था कि वेरीफाई करके दिखाएं दोनों का रिलेशनशिप ये एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आपने ये प्रूव करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको सवाल में कहा है एक कारपेंटर है जिसको कुछ वुडन प्लैंक्स, फ्री वुडन प्लैंक्स मिले हैं,
और उसमें आपको कहा है कि कुछ उसमें से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है और कुछ 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आपके कुछ ऐसे प्लैंक्स हम कहते हैं टुकड़े वुड के, तो लकड़ी के टुकड़े कुछ ऐसे हैं जो कि 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर बड़े हैं। उसको क्या करना है, ही वॉन्ट्स टू कट देम, उसको काटना है इस तरीके से सो दैट ही हैज इक्वल साइज प्लैंक्स, उसके पास इक्वल साइज के प्लैंक आ जाएं, यानी टुकड़े आ जाएं लकड़ी के, टू मेक यूजिंग देम इजियर, यानी कि उसको वो बाद में कहीं पे भी यूज कर सकता है किसी भी चीज के लिए, उसकी अपनी आसानी के लिए उसको ये काम करना है। अब जो एक्चुअल आपको सवाल में फाइंड करने को कहा है, व्हाट साइज प्लैंक शुड ही कट, क्या साइज होना चाहिए कि वो उस लकड़ी के टुकड़ों को काटे, इनटू टू अवॉइड वेस्टिंग एनी वुड, इस तरह से कि उसकी जो लकड़ी है वो जाया ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक टुकड़ा है लेट सपोज 12 सेंटीमीटर का, और आपको मैं कहूँ कि आपने मुझे ऐसे काट के देने, लकड़ी जाया ना हो, मुझे 6 सेंटीमीटर का एक चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर में ऐसे काटेंगे कि हाफ करने पर दूसरा भी आपका 6 सेंटीमीटर का ही हो और इक्वल हाफ हो जाए, लकड़ी जाया ना हो। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि मुझे एक 6 सेंटीमीटर का चाहिए, दूसरा 7 सेंटीमीटर का चाहिए, तो क्या होगा, जो आपने 6 सेंटीमीटर की लकड़ी का टुकड़ा काटा, अब 7 सेंटीमीटर तो आप 6 के बाद नहीं बना सकते ना, क्योंकि एक 6 का आपको मिल गया, दूसरा टुकड़ा भी 6 का है, अब वो 7 सेंटीमीटर का कैसे बनाएंगे आप, या तो 1 सेंटीमीटर का अलग से पेस्ट करेंगे या एक और 12 सेंटीमीटर का टुकड़ा लेंगे, उसमें से 7 सेंटीमीटर अलग से करेंगे और बाकी जो 5 सेंटीमीटर है उसको वेस्ट कर देंगे। तो वेस्ट नहीं करना, वो चाह रहे हैं कि वेस्टेज से बच जाए, तो वेस्ट से कैसे बचेंगे उसके लिए आपको सवाल में यहाँ पर मेहनत करनी है और बताना है कि ऐसे कौन से साइज के वो प्लैंक्स को काटे कि यहाँ पर वो वेस्ट को अवॉइड कर दे और मैक्सिमम साइज उसको मिल जाए। वो आपको कोई स्पेसिफिक नहीं बता रहा, वो कह रहा है मैक्सिमम साइज मैं यूटिलाइज कर लूँ, तो अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। तो अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप सोल्यूशन की प्रॉपर ब्लू मार्कर से हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन डालेंगे ब्लैक मार्कर से, और फिर उसके बाद कहेंगे कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग HCF। HCF से क्यों, क्योंकि आपसे कहा है कि आपके वुड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। क्यों HCF यूज करना है, बिकॉज ही इज कटिंग और डिवाइडिंग द वुड फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। जब भी HCF की बात आएगी तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन वैल्यू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मैक्सिमम वैल्यू जब भी आपके पास आएगी बात, तो वहां पर HCF का जिक्र लाजमी आएगा। तो HCF यहाँ इस सवाल में निकालना है, तो आपको दो वैल्यूज गिवन है, एक 12 सेंटीमीटर दूसरा 18 सेंटीमीटर, तो आपको HCF निकालना है। देयरफॉर HCF ऑफ 12 एंड 18 सेंटीमीटर आपको निकालना है। 12 सेंटीमीटर के फैक्टर्स बना लें 2 × 2 × 3, और सिमिलरली 18 के 2 × 3 × 3, ये दो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं, दो आपके पास जो 12 और 18 था उसके फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पर आपको कॉमन वैल्यू निकालनी है, एक तो 2 है दूसरा 3 है, तो HCF आपके पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स 2 × 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर HCF आ गया। HCF पीछे मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है, तो आपके पास HCF 6 सेंटीमीटर आ गया। आप कहेंगे कि अब जो कारपेंटर है शुड कट ईच वुडन प्लैंक इंटू 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्योंकि आपके अगर 12 सेंटीमीटर का एक है और एक 18 सेंटीमीटर का है लेट सपोज, तो आप 12 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दें 6 में या 18 को 3 में डिवाइड कर दें, सारे के सारे 6 सेंटीमीटर के ही आपके डिवाइड हो रहे होंगे, कट हो रहे होंगे, और कोई भी वुड पीस जाया नहीं होगा। तो इस तरीके से आपने अपने कारपेंटर जो भी था जिसको ये मसला था उसकी मदद कर दी। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास सवाल में कहा है ट्रेन ए और ट्रेन बी, ये दो ट्रेन हैं जो कि स्टॉप हो रही हैं एट हैदराबाद एज एट 10:30 AM। तो आपके पास हैदराबाद पे 10:30 बजे दोनों ट्रेन स्टॉप होंगी। ट्रेन ए स्टॉप एवरी 12 मिनट्स, हर 12 मिनट के बाद ट्रेन ए स्टॉप होती है, और ट्रेन बी स्टॉप्स एवरी 14 मिनट्स, हर 14 मिनट्स के बाद ट्रेन बी स्टॉप हो रही है कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेशन में। वेन डू दे बोथ स्टॉप टूगेदर, आपके पास यहाँ पर हैदराबाद में वो पहुंच रहे हैं 10:30 बजे, अब वो दोबारा कब हैदराबाद पहुंचेंगे, कब दोनों एक साथ स्टॉप करेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर LCM से होगा। आपने यहाँ पर कहा है कि LCM से क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों ट्रेन स्टॉप हो रही हैं एट द सेम टाइम, अब एक 14 मिनट्स और एक 12 मिनट्स के गैप से। अब LCM ही क्यों, क्योंकि आपकी ट्रेन 10:30 के बाद ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही दफा चलेगी, वो हो सकता है 1 घंटे या 2 घंटे बाद फिर दोबारा आए, दिन में हो सकता है 10 दफा एक ही प्लेटफॉर्म पे ये दोनों ट्रेन आती हों। तो कम से कम आपसे जब भी बात बोली जाए, कम से कम कितने वक्त पे ये दोनों एक साथ एक जगह पर ठहरेंगी, तो कम से कम का जब वर्ड इस्तेमाल हो जाता है तब आप LCM यूज करते हैं। लीस्ट का मतलब ही होता है कम से कम, तो
So this problem can be solved using least common multiple, that is LCM, because both trains will stop at same time in LCM of 14 and 12. तो 12 और 14 के LCM आपको निकालना है. LCM of 12 और 14 आपको निकालना वैसे आता है अब तक. 12 के प्रोडक्ट निकालें 2 into 2 into 3, 14 आपको होता है 2 into 7. कॉमन आपके पास 2 आ गया और बाकी नॉन कॉमन 2 into 3 into 7, ये आपके पास नॉन कॉमन आ गए. तो आप यहाँ पर कहेंगे हेयर कॉमन फैक्टर आपके 2 मिनट और नॉन कॉमन फैक्टर आपका 2 into 3 into 7 मिनट्स. यहाँ पर कॉमन वैल्यू आपके पास इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर. ये एलसीएम का फॉर्मूला आपको याद है, सिंस एलसीएम आपके पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर. आपके पास वैल्यू आ गई 84 मिनट्स. 84 मिनट्स बाद आपकी दोनों ट्रेन एक साथ स्टॉप करेंगी. तो आप कहेंगे हेंस बोथ ट्रेन्स विल स्टॉप 84 मिनट्स आफ्टर 10:30 AM, यानी कि 10:30 के बाद 84 मिनट्स ऐड कर लें तो 11:54 AM पे आपकी दोबारा दोनों ट्रेन एक साथ स्टॉप करेंगी हैदराबाद में. कहीं ना कहीं इंटरसिटी आपके पास ये ट्रेन ट्रेवल कर रही होंगी. एक 12 मिनट बाद और एक 14 मिनट्स बाद आती है. तो क्योंकि दोनों सेम आपके स्टेशन पे आती हैं सेम स्टॉप से होते हुए, तो आपके आफ्टर 84 मिनट्स यहाँ पर जो आपकी दोनों ट्रेन है वो दोबारा सेम स्टेशन पे आ जाएंगी. आंसर आपके पास फाइनल ये आ जाएगा. तो यहाँ पर आपकी ये कंप्लीट एक्सरसाइज आज हमने डिस्कस कर ली, और जितने भी सवालात इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज़्यादातर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जितने भी हमने डिस्कस किए शॉर्ट में आ जाएंगे क्योंकि इनकी लेंथ इतनी बड़ी है नहीं. ये पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, आप सबने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. मैंने तो यहाँ पर सिखा दिया, लेकिन इस पूरे सोल्यूशन को आपने अपने पास रजिस्टर पे नोट डाउन करना है, उतारना है, इसकी कम से कम 2 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको दिमाग में ये बैठना शुरू होगा. उससे पहले अगर आप इसको बेशक रट्टे लगा लें कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप भूल जाएंगे बाद में. तो बस यहाँ पर आपका आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.